सो हाय बच्चों, कैसे हो तुम सब। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सो देखते हैं, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का, जो डायमेंशन वाला पोर्शन था, डायमेंशनल एनालिसिस, उसे हमने कवर कर लिया था। सो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकेंड यूनिट, जो कि है काइनेमैटिक्स। सो काइनेमैटिक्स में बेसिकली हमें दो चैप्टर पढ़ने हैं। एक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तब क्या होता है, तब हम उस पर कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। और चैप्टर नंबर 4 है मोशन इन अ प्लेन, जब कोई ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन में मूव करने लगता है तो हम मोशन इन अ प्लेन की बात करते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे ही रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो ये जो यूनिट है तुम्हारा काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स देखो दो वर्ड से मिलके बनता है, काइनेटिक एंड मैटिक्स। सो काइनेटिक का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, मोशन से रिलेट करता है काइने। एंड मैटिक्स का मतलब होता है मैथमेटिक्स, मतलब कैलकुलेशंस करना। सो काइनेमैटिक्स में हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर कैलकुलेशंस करेंगे कि उसकी स्पीड क्या है, उसमें कितना एक्सीलरेशन आ रहा है। तो यही सारी चीजें हमें काइनेमैटिक्स के अंदर देखनी है। अब वो ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशन में मूव कर सकता है या 2 डायमेंशन में मूव कर सकता है। तो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट देखो दो स्टेट्स में होता है, या तो रेस्ट में हो सकता है या मोशन में हो सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है तुम कैसे डिसाइड करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो जैसे अर्थ है, ठीक है, अर्थ घूम रही है अपनी एक्सिस पे, तो अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है सन के अराउंड, ये दोनों चीजें हैं। मान लो यहाँ पे 2 पर्सन ऐसे खड़े हुए हैं अर्थ पे, मान लो तुम और तुम्हारा कोई एक फ्रेंड है यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है, तो अगर तुम दोनों आपस में एक दूसरे को देखोगे और दोनों चल नहीं रहे हो, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो, दोनों तो रेस्ट में हो, लेकिन कहाँ पे, जब तुम अपने आप को ही कंसिडर करोगे। मतलब यहाँ पे अगर तुम एक दूसरे को देख रहे होगे तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तुम्हारे रिस्पेक्ट में तुम्हारा फ्रेंड और तुम्हारे फ्रेंड के रिस्पेक्ट में तुम, दोनों रेस्ट में होगे। लेकिन सपोज करो, मान लो यहाँ पे मार्स पे कोई एलियन है, वैसे तो है नहीं, हाइपोथेटिकल हम बात कर रहे हैं, मार्स ग्रह पे एक एलियन है, वो अगर तुम दोनों को देखेगा तो उसके लिए तो तुम दोनों मोशन में होगे, है ना। सोच के देखो, इमेजिन करो। तो जब भी हम कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, सो यहाँ पे ऑब्जर्वर का रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कौन उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये चीज बहुत मायने रखती है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ये चीज रिलेटिव होती है। रिलेटिवली हम कह सकते हैं कोई भी चीज रेस्ट में है या मोशन में है। तो यहाँ पे इस चीज से निकल के आता है एक टॉपिक, जो कि होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे सिलेबस देख लो, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। सो यहाँ पे तुम्हारा इस चैप्टर का सिलेबस ये है, यहाँ पे तुम्हें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानना है। हो सकता है इस पे थ्योरी क्वेश्चन ना आए, बट जानना जरूरी है, बिकॉज इस चैप्टर की बुनियाद इसी के ऊपर टिकी हुई है। फिर इसके बाद आता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसके बारे में देखेंगे क्या है। फिर है एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो का हिस्सा थर्ड वाला पॉइंट नहीं होगा। फिर इसके बाद वेलोसिटी टाइम एंड पोजीशन टाइम ग्राफ्स, यहाँ पे ग्राफ्स की हम बात करेंगे, ये इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशंस को भी हम देखेंगे और उनको ग्राफिकली हम डिराइव भी करेंगे। तो ये तुम्हारा पूरा सिलेबस है इस चैप्टर का, पॉइंट नंबर 1, 2, 4 एंड 5 ये हम इसी वीडियो में कवर कर रहे होंगे। और जो थर्ड वाला पॉइंट है ये तुम्हारा कैलकुलस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये मैं तुम्हें अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थोड़ा सा ही मैंने तुम लोगों को एक एग्जांपल की हेल्प से हिंट दिया था। मान लो तुम यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और ट्रेन स्टेशन से मूव करके आगे जा रही है। ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही है। तो यहाँ पे तुम्हारे रिस्पेक्ट में ट्रेन क्या करेगी, मूव करेगी। सो ट्रेन किस में होगी, ट्रेन मोशन में होगी। अब लेकिन उसी ट्रेन के अंदर बैठे 2 पैसेंजर्स को सोचो। यहाँ पे मान लो तुम हो और तुम्हारा फ्रेंड है, ये तुम बैठे हो यहाँ पे और यहाँ पे तुम्हारा फ्रेंड बैठा है, लड़ाई हो रखी है तो अलग अलग बैठे हो। अब जरा सोच के देखो, दोनों ही अगर एक दूसरे को देखोगे, अगर बाहर एकदम अंधेरा हो, एकदम टनल से सब लोग जा रहे हैं, टनल से मेट्रो जा रही है, और यहाँ पे तुम दोनों आपस में सिर्फ एक दूसरे को देख सकते हो अंदर, तो यहाँ पे बताओ तुम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे होगे, मोशन में होगे कि रेस्ट में। ट्रेन चल रही है बट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो तुम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगे रिलेटिवली। सो इसीलिए ये एग्जांपल है, इनसाइड द ट्रेन अगर 2 लोग एक दूसरे को देख रहे होंगे तो वो रेस्ट में होंगे रिलेटिवली। लेकिन अगर कोई इंसान दोनों को बाहर से ऑब्जर्व करेगा या फिर ट्रेन को बाहर से ऑब्जर्व करेगा, तो ये चीज मोशन में हो जाएगी। सो यहाँ पे तुम्हारा मोशन हो रहा है बाहर के रिस्पेक्ट में, और अगर अंदर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात करोगे तो ये रेस्ट है,
ठीक है, सेम चीज की देखो बात हो रही है, सेम ट्रेन है लेकिन बाहर से देख रहे हैं तो वो मोशन में है, अंदर से उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो रेस्ट में है। सो ये रिलेटिव है। यहाँ पे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बना देते हैं, मतलब तुमने एक फ्रेम डिसाइड कर लिया, तुम्हें इतने ही दायरे में रह के बात करनी है। अगर तुम ट्रेन के अंदर से चीजों को देखोगे तो वहां पे चीजें रेस्ट में है क्योंकि सारी चीजें एक साथ मूव कर रही है रिलेटिवली। यानी कि अगर इनसाइड द ट्रेन तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करोगे, वहां की सिर्फ बात करोगे, तो वहां पे चीजें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। लेकिन अगर तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाहर का लोगे, बाहर से ट्रेन को देखोगे तो ट्रेन मोशन में तुमको दिखेगी। तो यही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कितने दायरे में तुम रह के बात कर रहे हो, ऑब्जर्वर तुम्हारा कहाँ पे है और जिस चीज को तुम देख रहे हो वो कहाँ पे है। दोनों अगर अलग अलग जगह पे होंगी तो ऑब्वियसली जो रिलेटिवली मोशन होगा या रेस्ट होगा जो भी होगा वो हम देख लेंगे, लेकिन अगर दोनों चीजें अंदर हैं, एक ही जगह पैक्ड हैं, उसी फ्रेम को हम दे रहे हैं, तो वहां पे चीजें अलग हो सकती हैं। तो यही है तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किस दायरे को तुम यहाँ पे देख रहे हो, किस फ्रेम को तुम कंसिडर कर रहे हो, इस पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। बस इसका कॉन्सेप्ट है तुम्हारे सिलेबस में तो इसको तुम्हें जानना जरूरी है। अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि कितने टाइप्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं। देखो दो टाइप्स के यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। सो एक होता है तुम्हारा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो ये क्या होते हैं देखो, सो एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ करेक्टली डिस्क्राइब कर सके अंदर के मोशन को। मतलब यहाँ पे बस इतना सा है, ऐसे याद रख लो, जहां पे एक्सेलरेशन जीरो होगा ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कार एक खड़ी हुई है रेस्ट में है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तो हम उसको बोल सकते हैं दैट इट इज इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ऐसे याद कर सकते हो उसको। फिर अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस की बात करें तो कोई भी अगर फ्रेम तुम्हारा या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट कर रहा है, रिलेटिवली एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस, क्योंकि वहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा। जब भी कोई चीज एक्सेलरेट करती है तो F इज इक्वल टू ma लगा दो, वहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करने लगता है तुम्हारे फ्रेम के ऊपर। यानी कि जहां पे भी कोई फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा एक्सटर्नल फोर्स, तो वहां पे हम कहेंगे दैट इट इज अ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। जहां पे कोई भी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो होगा तुम्हारे फ्रेम पे, यानी कि जिस चीज को तुम कंसिडर कर रहे हो, तो वो तुम्हारा हो जाएगा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये हो सकता है थ्योरी में पूछ लिया जाए। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ये तो आई थिंक सबको पता होगा, और जिनको नहीं पता है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो डिस्टेंस की बात की जाए, जैसे मान लो एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी। मान लो ये तुम्हारा स्कूल है और ये तुम्हारा घर है। तुम्हें घर से स्कूल जाना है लेकिन बारिश हो गई, एक रास्ता है छोटा लेकिन उसमें बारिश में पानी भरा हुआ है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा सा ऐसे घूम के जाना पड़ेगा स्कूल तक। ये तुमने पाथ कवर किया। अच्छा अगले दिन मान लो बारिश नहीं हो रही है, तब तुम सीधे स्ट्रेट जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा वो पकड़ के अपने स्कूल पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं। तो देखो इसको अगर हम डिस्टेंस वन मान लें और इस वाले को डिस्टेंस टू मान लें, ये पहला रास्ता है ये दूसरा रास्ता है, पाथ वन एंड पाथ नंबर टू। तो यहाँ पे सोच के देखो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। शॉर्टेस्ट पाथ तो ये वाला है ए से बी तक, जो सीधा सीधा स्ट्रेटली जा रहा है, तो इस शॉर्टेस्ट पाथ को बोला जाएगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे जो बाकी के पाथ है, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस है, सो डिस्टेंस दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो सा डिस्टेंस सबसे शॉर्ट होगा वही डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तुम्हारा कैसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि तुमने कौन सा रास्ता चुना है। तुम इस रास्ते से गए तुम्हारा डिस्टेंस ये हो जाएगा। मान लो तुमने दोनों ही रास्ते नहीं चुने, तुमने ये रास्ता चुना तब स्कूल घूम घाम के गए हो, तो तुम्हारा ये डिस्टेंस नंबर थ्री हो जाएगा। ये तुम्हारा पाथ नंबर थ्री भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तुम डिपेंड करता है तुम्हारा कि किस रास्ते से तुम गए हो, वो रास्ता तुम्हें लेके जाना पड़ेगा, तब तुम डिस्टेंस टोटल जोड़ के बताओगे इतना डिस्टेंस हमने कवर किया। लेकिन जब भी हम दो पॉइंट्स की बात करेंगे, जो भी उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और बाकी डिस्टेंस जो भी तुम पाथ ट्रेवल करोगे वो पाथ तुम मेजर कर लो, वो तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस भी होता है दोनों के बीच, दैट जो डिस्टेंस है तुम्हारा, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये बहुत मेजर डिफरेंस है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है।
स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बीच डिफरेंस, ये मैं तुम्हें अगले वीडियो जब मोशन इन अ प्लेन की हम बात करेंगे तो वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल के लिए इतना याद रख लो दैट स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ यहाँ पे वैल्यू की बात की जाती है, बाकी यहाँ डायरेक्शन वायरेक्शन तुम्हें कुछ नहीं बताया जाएगा। लेकिन वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी तुम्हें पता होगा, तुम्हें वैल्यू भी पता होगी किसी चीज की, और इसके साथ साथ डायरेक्शन भी बताया जाएगा कि किस डायरेक्शन में चीज मूव कर रही है या जो भी हो रहा होगा वहां। यानी कि डिस्प्लेसमेंट में हम साथ में डायरेक्शन भी बताएंगे। जैसे मान लो तुमने 5 मीटर मूव किया तो किस डायरेक्शन में मूव किया ये तुम्हें डिस्प्लेसमेंट में बताना होगा। अगर डिस्टेंस पूछा गया है तो वहां तुम ऐसे ही बता सकते हो हमने 5 मीटर मूव किया, किधर मूव किया हमें नहीं पता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर तुम बताओगे, डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो वहां पे तुम्हें मेंशन करना होगा डिस्प्लेसमेंट की इस डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या कितने डिग्रीज अप या फिर डाउन किस तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट में तुम्हें मैग्नीट्यूड भी बताना है साथ में डायरेक्शन भी बताना है। तो इतनी बातें यहाँ पे तुम्हें याद रखनी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच। सो आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोग को क्या डिफरेंस है दोनों के बीच डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। चल इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की। तो स्पीड एंड वेलोसिटी, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी में क्या हो जाता है, वेलोसिटी नाउ हो जाती है एक वेक्टर। यहां भी वही चीज है, जो स्पीड है स्पीड इज ए स्केलर बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस स्केलर होता है, लेकिन वेलोसिटी क्योंकि वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं सो इट इज वेक्टर। बाकी मामलों में दोनों चीजें एक जैसी हैं, लेकिन स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है एंड वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होगा, इसका मतलब वेलोसिटी में भी एक डायरेक्शन होगा। तुम मान लो एक बाइक से जा रहे हो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो तो वो स्पीड कहलाएगी, लेकिन तुमने ऐड कर दिया 45 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तुमने डायरेक्शन भी वहां ऐड कर दिया, तब वो क्या कहलाएगी, तब वो वेलोसिटी कहलाएगी। सो वेलोसिटी में क्या होगा, स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो तुमने स्पीड बताई साथ में डायरेक्शन बताया, वो क्या बन गया, वेलोसिटी, राइट। सो यही होता है हमारा वेलोसिटी एंड स्पीड के बीच का अंतर। आई होप समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे अब आती है बात एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने की। ये दोनों बातें तुमको पता होनी चाहिए, क्यों, बिकॉज जब अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे ये चीजें कैलकुलेट करने के लिए पूछी जाएंगी। सो देखो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, एवरेज किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम सारी वैल्यूज का टोटल करते हैं और डिवाइड बाय नंबर ऑफ जितनी क्वांटिटीज होती हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज अगर जोड़ दिया गया है सो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, बस ऊपर टोटल कर दोगे और नीचे डिवाइड बाय टाइम होता है, डिवाइड बाय टोटल टाइम। सो ये हो जाएगा तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन से पूछा जाएगा। फिर एक टर्म यहाँ पे आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका कभी कभी डेफिनेशन पूछ लिया जाता है क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंट मास जो भी तुम्हें दिया हो, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब क्या हो गया, और किसी डीटी टाइम बहुत ही स्मॉल टाइम पे या किसी इंस्टेंट पे तुम्हारा कितना वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट का, यही होता है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट एन इंस्टेंट, एक मतलब पर्टिकुलर टाइम पे जब तुमसे पूछ लिया जाए कि इस इंस्टेंट पे तुम्हारी बॉडी का वेलोसिटी कितना है, उसी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हम निकालते कैसे हैं, देखो इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डी एस बाय dt, ये होता है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। यहाँ पे जिस भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे तुम्हें वेलोसिटी निकालने के लिए कहा गया है पहले उसको डिफरेंशिएट कर दोगे, उसके बाद उस पर्टिकुलर टाइम का वैल्यू रख दोगे, तुम्हारा यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगा तुमको। लेकिन ये कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग यहाँ पे तुम्हें यूज करना पड़ता है डिफरेंशिएशन का। सो ये चीज मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा अच्छे से। सो फिलहाल के लिए अभी हम एवरेज वेलोसिटी के ही क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। चल इसके बाद अब हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सो यहाँ पे अब हम बात करेंगे ग्राफ्स की। सो ग्राफ क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे तीन टाइप्स के ग्राफ बनते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में। एक होता है टाइम डिस्टेंस ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, यानी कि तुमने ग्राफ बना दिया इस तरह,
जहां पे एक्स एक्सिस पे तो टाइम रहेगा और इस साइड डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो ऐसा तुमने अगर एक ग्राफ बना दिया, एक्स एक्सिस में टाइम ले लिया, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट ले लिया, चेंज भी कर सकते हो बट जनरली ऐसे होता है। तो यहां पे ये ग्राफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब ऐसा कुछ ग्राफ अगर क्वेश्चन में बना हुआ मिलेगा तुम्हें तो उसकी मदद से तुम क्या कैलकुलेट कर सकते हो उसको देख लो। अगर यहां पे मान लो ग्राफ कुछ ऐसा तुम्हारा बना हुआ है, इस तरह का है, कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, फ्लैट हो सकता है। यहां पे अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकाल लें, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब y2 माइनस y1, सबने मैथ से पढ़ा हुआ है 10th में, और x2 माइनस x1। अगर हम ये निकाल लेते हैं तो y एक्सिस पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और x एक्सिस पे क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो आ जाएगा। सो अगर तुम इस ग्राफ का स्लोप निकालते हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हो, तो वहां पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, इट विल गिव यू वेलोसिटी। सो यहाँ पे वेलोसिटी हमें मिल जाएगी टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप निकाल के। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर ये ग्राफ दिया है तो इसकी मदद से तुम स्लोप निकाल लो ग्राफ का, वहां से तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगा। ये अभी हम क्वेश्चंस में निकालनी पड़ेगी ये चीजें, तो ध्यान देना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ग्राफ होता है टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ। यानी कि हमने एक ग्राफ बनाया इस तरह हमने ग्राफ बनाया, और यहां पे इस बार हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे ले लिया टाइम और यहां पे ले लिया वेलोसिटी वाई एक्सिस पे। तो टाइम और वेलोसिटी का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इससे ये कहलाएगा हमारा टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ, टाइम वेलोसिटी ग्राफ। इसकी मदद से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं देखना। यहां पे अगर हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप में क्या आएगा, इस बार वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी वाई टू माइनस वाई वन करोगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टी टू माइनस टी वन करोगे, वो आ जाएगा टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या मिलेगा तुम्हें, एक्सेलरेशन। तो यहां पे स्लोप निकालने पे हमें क्या मिल जाएगा, इस बार एक्सेलरेशन मिलेगा। देख लो y अपॉन x करोगे तो क्या मिल रहा है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, सीधी सी बात है। फिर एक और चीज यहां पे हम निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। कैसे, हम क्या करेंगे, अगर हम यहां पे ग्राफ का एरिया निकाल लें, ऐसे ग्राफ को x एक्सिस पे ले आओ और इस शेडेड रीजन का एरिया निकाल लो। तो यहां पे अगर एरिया निकाल लोगे तो उसकी हेल्प से तुम क्या बता सकते हो कि बॉडी ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। क्यों, देखो एरिया के लिए क्या करोगे, वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर तुम एरिया निकालोगे ग्राफ के नीचे का तो ये तुम्हें क्या दे देगा, इट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट जो कि तुम्हारी बॉडी में हुआ होगा। तो ये ग्राफ का फायदा रहता है, ग्राफ की हेल्प से हम कुछ ऐसी चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो न्यूमेरिकली अगर कैलकुलेट करोगे तो टाइम लगेगा, ग्राफ से देख के सीधे सीधे यहाँ पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं थोड़ा बहुत मतलब कैलकुलेशन करके। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने सेम इसी तरह ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस पे ले लिया टाइम और इस बार वाई एक्सिस पे ले लिया सीधे सीधे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ जब बनेगा तो यहां से क्या चीजें निकल के आती हैं देख लो। यहां पे अगर हम एरिया निकालते हैं, यहां पे अगर हमारा मान लो ये ग्राफ है इस तरह, और यहां पे अगर हम एरिया निकाल लेते हैं, ये एरिया अगर निकाल लेते हैं तो इस एरिया से हमें मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि यहां पे अगर तुम एरिया निकालोगे तो तुम्हें एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें क्या देगा, इट विल गिव यू डेल्टा वी। तो ये है यहाँ पे डेल्टा वी, यानी चेंज इन वेलोसिटी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हो। तो ये वाला ग्राफ काफी कम यूज होता है, ज्यादा उतना यूज हम नहीं करते हैं। जो मोस्ट माय क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हारे फर्स्ट टाइप के और सेकंड टाइप के ग्राफ पे ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट, ग्राफ्स बनेंगे कैसे। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब तुम्हें उन क्वेश्चंस से इन्फॉर्मेशन निकाल के कैलकुलेशन करना समझ में आ जाएगा, राइट। चलो सो अभी इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब जहां एक्सेलरेशन एक तरह से कांस्टेंट हो, वहां पे हम कैसे कैलकुलेशंस करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली तीन तुम्हारी इक्वेशंस होती हैं, ये तुमने पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, ये नई नहीं है, तुमने 9th एंड 10th क्लास की फिजिक्स में इनको पढ़ रखा है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तुमने 9th क्लास में की है, इनका डेरिवेशन भी देखा है, तो वो चीजें हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल ये इक्वेशंस में पता होनी चाहिए बिकॉज कैलकुलेशन में हम इनका काफी ज्यादा यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख लो इनमें अलग अलग टर्म्स का क्या मतलब है। यहाँ पे u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, कि शुरुआत में तुम्हारी बॉडी की कितनी वेलोसिटी थी। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, मतलब कुछ टाइम के बाद तुम्हारी बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये होती है v। फिर उसके बाद यहाँ पे a का मतलब है एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेशन से बॉडी आगे बढ़ रही है। फिर
टी कितने टाइम के बाद तुम यहाँ पे यू और वी के बीच का डिफरेंस देखोगे, कितना टाइम इंटरवल तुम्हारा यहाँ पे है, और एस तुम्हारा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट टोटल किया है। तो ये तुम्हारी तीन इक्वेशंस हैं। होता क्या है कि क्वेश्चंस में जिस तरह तुम्हें गिवन चीजें दी होंगी, जैसे मान लो तुम्हें टाइम गिवन है और वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल गिवन है, एक्सीलरेशन तुम्हें निकालना है, तो तुम पहले वाले फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, राइट। जिस तरह की चीजें तुम्हें पता होंगी, मान लो क्वेश्चन में तुम्हें टाइम नहीं गिवन है और तुम्हें बाकी सब चीजें दे रखी हैं, तब तुम थर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हो। मान लो तुम्हें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है बट डिस्टेंस एंड टाइम पता है, एक्सीलरेशन पता है, तब तुम सेकंड इक्वेशन का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे तीनों ही इक्वेशंस का यूज हो सकता है, बस डिपेंड करता है क्वेश्चन में तुम्हें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे पर्टिकुलर इक्वेशन का यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी हम इन इक्वेशंस को डिराइव करना सीखते हैं, कैसे इनको डिराइव किया जाता है। पहले तुम लोग इक्वेशंस को डिराइव करते थे नॉर्मल मैथमेटिकल वे से, बट इस बार हम लोग ग्राफ की हेल्प से, ग्राफिकल मेथड से इसको कैसे डिराइव करते हैं ये करना सीखेंगे। चलो यहाँ पे सपोज हमें ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा वेलोसिटी टाइम हम ग्राफ ले लेते हैं, इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ को बनाए इस तरह, मान लो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ होती है थोड़ी सी, और इस तरह हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से मैंने स्टार्ट की है, तो इसको हम मान लेते हैं u, ठीक है, और फाइनली हमारी वेलोसिटी कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक, इसको हम मान लेते हैं v। और इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ इस तरह। तो यहाँ पे u है और यहाँ पे हमारा v है, ठीक। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू v माइनस u, ये हो गया। और यहाँ पे टाइम पीरियड हम ले लेते हैं टी का, यानी कि ये डिस्टेंस हमारा हो गया टी एक्स एक्सिस पे। तो ये है हमारा ग्राफ। अब यहाँ पे चीजें कैसे हम डिराइव कर सकते हैं देखना, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे अगर हम अपने ग्राफ का स्लोप निकालें, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यहाँ पे स्लोप तुम्हें एक्सीलरेशन देगा। तो यहाँ पे अगर हम स्लोप निकालें अपने ग्राफ का, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, जैसे मैथ्स में हम फॉर्मूला लगाते हैं वैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे x और y है क्या, देखो y2 y1 जहां से लाइन जहां तक जा रही है, यहां से यहां तक जा रही है, तो ये हो जाएगा x1 y1, यहां हो जाएगा x2 y2। तो y2 ये है, y1 ये है, यानी कि y2 माइनस y1 इज इक्वल टू क्या है, ये है v, y2 तुम्हारा ये है और y1 क्या है u, ये हो गया। इस अपॉन अपॉन में तुम्हारा है x2 माइनस x1, x2 मतलब x एक्सिस के टर्म्स। तो यहाँ पे तो t है, t टाइम, इस जगह पे t आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा बस। तो नीचे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी t माइनस जीरो, ये हो गया। और जब भी हम स्लोप निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है एक्सेलरेशन। तो बस इसको सॉल्व कर दो, ए टी इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा वी माइनस यू। तो यहां से निकल के आएगा v इज इक्वल टू यू, इस साइड ले आएंगे प्लस हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला डिराइव होके आ गया। सो आई होप समझ में आ गया होगा ग्राफ से कैसे इसको डिराइव किया गया, बहुत इजी होता है, कुछ यहाँ पे टफ नहीं है। तो चलो अभी इसी अपने ग्राफ की हेल्प से सेकेंड इक्वेशन को भी डिराइव करते हैं। सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ दिस ग्राफ। क्यों, बिकॉज जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं, ये भी हमने देखा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देख लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट। सो चलो यहाँ पे अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं यहाँ पे। सो एरिया ऑफ दिस ग्राफ विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस ग्राफ विल बी इक्वल टू, यहाँ पे नीचे एक रेक्टेंगल है, ऊपर एक तुम्हारा ट्राइंगल है, तो नीचे के रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इतने की बात कर रहा हूँ, ये जो नीचे का रेक्टेंगल हमें दिख रहा है इतना, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया विल बी इक्वल टू, यहाँ तक यू है और ये टी है, तो यहाँ पे एरिया विल बी इक्वल टू यू टी प्लस। अब यहाँ पे हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ऊपर के ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे चलो पहले लिख देते हैं एक बार, ज्यादा बेटर रहेगा, एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल नीचे वाला प्लस ऊपर वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके। अब ठीक है, तो यहाँ पे एरिया हमें देगा क्या, एरिया विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है एस, एरिया ऑफ नीचे रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, यू मल्टीप्लाई बाई टी यानी कि यू टी प्लस
ऊपर यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। सो यहाँ पे हो जाएगा हाफ बेस, बेस यहाँ पे कितना है इस ट्रायंगल का, जो ये दूरी हमारी टी है, सो बेस हो गया टी। हाइट कितनी हो गई हमारे ट्रायंगल की, ट्रायंगल की हाइट सिर्फ यहां से यहां तक है, यानी कि वी माइनस यू, ये हो गया। सो यहाँ पे आ गया हाफ टी इंटू वी माइनस यू। सो यहाँ पे इतना आने के बाद यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं क्या, दैट यहाँ पे v माइनस यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं, कहाँ से, a का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, तो v माइनस यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं ए टी यहाँ पे। सो इसको पुट कर दो, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू, ये हो गया यू टी प्लस हाफ v माइनस यू की जगह हम at लिख सकते हैं, at ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा at स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। सो इस तरह ग्राफ से हम इसको भी डिराइव कर सकते हैं। अब देखते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको डिराइव करते हैं, यहाँ पे भी हम सेम ग्राफ का यूज करेंगे। सो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम एरिया निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। सो इस बार हम फिर से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, यानी एरिया निकालेंगे, लेकिन इस बार हम एरिया निकालेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके, फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का यूज करके। तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ पे ट्रेपेजियम तुम्हें दिखाई दे रहा है, ट्रेपेजियम अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम कैसा होता है, इस तरह का होता है ट्रेपेजियम, यहाँ पे ये ट्रेपेजियम है तुम्हारा, ये पूरा फिगर। सो यहाँ पे हमारे ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये होता है तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। सो यहाँ पे एरिया हमें देगा क्या, डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक तो ये है यू और एक ये वी वाली, यानी कि वी पूरा डिस्टेंस है, तो यू हो गया वी हो गया, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स में आ जाएगा यू, इधर साइड का साइड है यू और इधर साइड का पूरा ये डिस्टेंस है वी, तो u प्लस वी हो गया, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, दोनों साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर, यानी कि कितना हो गया t डिस्टेंस है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय t, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन देखो टाइम नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टाइम को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन t, ये v है, तो यहाँ पे t को इधर ले आओ, a को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन a, इसको मान लो इक्वेशन वन, और इसको यहाँ पे पुट कर दो t की जगह पे, तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू वन बाय टू यू प्लस वी, और t की जगह हम लिख देंगे v माइनस यू अपॉन a। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऊपर क्या बन रहा है, v माइनस यू और v प्लस यू, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा हमारा s इज इक्वल टू वन अपॉन टू, ए नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ऊपर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जैसे माइनस वाला होगा यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बन जाएगा, तो बस यहाँ पे ये आ गया, 2a को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2as, ये हो जाएगा तुम्हारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव होके। तो इस तरह हम ग्राफ से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव कर सकते हैं। आई होप ये तीनों डेरिवेशन तुम लोग को अच्छे समझ में आ गए होंगे, डेरिवेशन से हो सकता है एग्जाम में पूछ लिए जाए, इसलिए इसको करना जरूरी था। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी क्वेश्चंस के साथ में, और देखेंगे न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ में एंड देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर वन। यहाँ पे है इन द एडजॉइनिंग फिगर इज शोन द टाइम डिस्टेंस ग्राफ, यहाँ पे टाइम डिस्टेंस ग्राफ की बात की गई है ऑफ अ साइक्लिस्ट, एक साइक्लिस्ट का टाइम डिस्टेंस ग्राफ ही बना हुआ है। तो यहाँ पे है फाइंड आउट फ्रॉम द ग्राफ, तो ग्राफ से हमें फाइंड करनी है चीजें, क्या फाइंड करना है, फर्स्ट है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, मैक्सिमम स्पीड निकालनी है साइक्लिस्ट की और एवरेज स्पीड निकालनी है, तो मैक्सिमम स्पीड और एवरेज स्पीड दो चीजें हमें यहाँ से निकालनी है। तो यहाँ से पहले तो हमें समझना पड़ेगा कैसे इन चीजों को निकाला जाए। तो देखो मैक्सिमम स्पीड के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा कि साइक्लिस्ट की अलग अलग इंटरवल्स पे स्पीड क्या क्या है। देखो यहाँ से जीरो से साइक्लिस्ट ने स्टार्ट किया, जीरो टाइम से, और दो यहाँ पे टाइम तुम्हारा किसमें दिया हुआ है, टाइम इज इन आवर्स, दो घंटे तक उसने साइकिल चलाई
यहां तक। तो जीरो से दो घंटे मतलब शुरुआत के दो घंटे उसने साइकिल चलाई इतने रेट से। फिर उसके बाद देखो दो से तीन घंटे तक यानी सेकेंड आवर से थर्ड आवर तक वो रुक गया, उसका डिस्टेंस 20 ही रहा, उसने कुछ नहीं चला। तो यहां पे साइकिलिस्ट अभी रेस्ट पे है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब भी ऐसे ग्राफ फ्लैट हो जाएगा तो यहां पे समझ लेना कि वो चीज रेस्ट पे है, वो ऑब्जेक्ट वहां रेस्ट पे आ गया। अब इसके बाद तीसरे घंटे के बाद से पांचवे घंटे तक यानी अगले दो घंटे तक उसने फिर से साइकिल चलाई और यहां तक आ गया। ये तुम्हारा हो जाएगा 30 से 40 के बीच यानी कि 35 तक। तो यानी कि डिस्टेंस उसका कैसे कैसे बढ़ रहा है, जीरो से दो घंटे तक इतने रेट से उसने साइकिल चलाई मतलब इतनी स्पीड से चलाई है, और उसके बाद तीन से पांच घंटे तक उसने इतनी स्पीड से साइकिल चलाई है। तो यहां पे दो जगह पे साइकिल वो चला रहा है, एक तो यहां से यहां तक, इन पॉइंट्स को मैं दे देता हूं नाम ए से बी तक और यहां से सी से डी तक। तो यहां पे तुम्हें दो हिस्सों में स्पीड निकालनी पड़ेगी कि ए से बी पोर्शन में कितनी स्पीड है साइकिलिस्ट की, बीच में तो आराम कर रहे हैं यहां पे वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर उसके बाद सी से डी तक यानी कि तीन से पांच घंटे तक उसने कितने स्पीड से साइकिल चलाई। ये दो चीजें तुम निकाल लोगे और देख लोगे जिस भी पार्ट में यहां पे स्पीड ज्यादा होगी, बेसिकली जहां पे ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा वहां पे स्पीड तुम्हारी ज्यादा होगी। क्यों? बिकॉज ये क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या हमें बताता है, वहां पे वेलोसिटी बताता है। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे स्लोप। पहले निकालेंगे ए और बी का स्लोप, स्लोप ए बी। ए बी का स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, वाई टू माइनस वाई वन, वाई मतलब वाई एक्सिस की वैल्यू, तो वाई टू माइनस वाई वन यानी 20 माइनस जीरो अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, टू माइनस जीरो। तो यहां पे 20 अपॉन 2 आ जाएगा यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ए बी वाले पोर्शन में कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी शुरुआत में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से साइकिलिस्ट ने साइकिल चलाया। यहां पे तो रेस्ट किया, यहां पे स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है, बी से सी तक रेस्ट में है साइकिलिस्ट। फिर इसके बाद स्लोप हम निकाल लेते हैं कहां से कहां तक, सी से डी तक का। तो सी से डी तक का स्लोप आएगा स्लोप ऑफ सी टू डी। तो यहां से यहां तक का स्लोप निकालने के लिए तुम्हारा इंटरवल क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक ये हो जाएगा y2 माइनस y1। y2 तुम्हारा यहां पे देखो यहां पे आ रहा है 35, सो 35 माइनस 20, y2 माइनस y1 करेंगे 35 माइनस 20 हो जाएगा, ये हो गया 35 माइनस 20, ये पूरी मैथ्स है यहां पे। 35 माइनस 20 क्या है, y2 माइनस y1 हो गया अपॉन x2 माइनस x1, यहां पे x2 तुम्हारा आ जाएगा आगे वाला 5 और x1 क्या हो जाएगा 3, तो नीचे हो जाएगा 5 माइनस 3, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। निकाल लो इसको, ये ऊपर हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7.5। तो 7.5 किलोमीटर पर आर वी सी डी इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर पर आर, एंड यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे किलोमीटर पर आर होगा बिकॉज हमारा जो ग्राफ दिया है उसमें किलोमीटर और आर में यहाँ पे यूनिट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में देख लो किस पोर्शन में साइकिलिस्ट की स्पीड सबसे ज्यादा थी, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट हो जाएगा मैक्स स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट, सिर्फ स्पीड पूछी गई है, इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से साइकिलिस्ट ने साइकिल चलाई कहां से कहां तक, ए से बी तक। फिर वो थक गया, उसने आराम किया, फिर साइकिल चलाना स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे साइकिल चला के आगे गया। तो यही ये ग्राफ बता रहा है, समझ में आया। इसके बाद सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड बहुत आसान है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, इट इज टोटल डिस्टेंस, यहाँ स्पीड का है तो टोटल डिस्टेंस लिख सकते हो, अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस लेना है, डिवाइड कर देना है टोटल टाइम से। सो साइक्लिस्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, कहाँ तक पहुँचा है वो, 35 किलोमीटर तक। यहाँ डिस्टेंस देख के सीधे सीधे पता लग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम, कितने टाइम में उसने ट्रैवल किया, टाइम भी यहाँ दिख रहा है 5, 5 घंटे में उसने 35 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं, टाइम भी यहाँ से देख लो ग्राफ से, ये हो जाएगा डिवाइड बाय 5। टोटल का है इसलिए हमने टोटल ले लिया, टोटल डिस्टेंस यहाँ तक गया है ग्राफ 35 तक, तो 35 डिस्टेंस हो गया और 5 घंटे में टोटल टाइम हो गया ये। तो यहाँ पे डिवाइड कर दोगे इसको, कैंसिल हो जाएगा 7 से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 किलोमीटर पर आवर। तो 7 किलोमीटर पर आवर विल बी दी एवरेज स्पीड ऑफ दी साइकिलिस्ट। सो आई होप समझ में आ गया होगा एलन न्यूमेरिकल, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, रीड करते हैं इसको। अ कार मूव्स फर्स्ट फॉर 0.1 आवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो पहले 0.1 आवर के लिए
कार ने मूव किया 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ, फिर है देन फॉर 0.4 आवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड इन द लास्ट 0.2 आवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे तीन पर्टिकुलर पोर्शंस में एक कार है जो कि अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो वी हैव टू ड्रॉ टाइम वेलोसिटी ग्राफ, हमें टाइम वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है फॉर दी कार एंड यूज इट टू फाइंड, फिर ग्राफ की मदद से ये चीजें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ में एक तुम्हारा वाई एक्सेस होगा और एक तुम्हारा एक्स एक्सेस होगा, एक्स एक्सेस तुम्हें टाइम बताएगा और इधर वाला एक्सेस तुम्हें क्या बताएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। अब यहाँ पे जो तुम्हें वैल्यूज दी हैं उनका कैसे यूज करोगे, अ कार मूव्स फर्स्ट फॉर 0.1 आवर, देखो यहाँ पे टाइम तुम्हें जो है आवर्स में दिया है 0.1 आवर 0.4 आवर इस तरह यूज करेंगे, और विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी तुम्हें 20 मतलब किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो इस तरह यहाँ पे वेलोसिटी को हम लेंगे। तो पहले 0.1 आवर के लिए, पहले 0.1 आवर के लिए कार की वेलोसिटी कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ ले लेते हैं 20 और वेलोसिटी हमारी हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। सो 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ कार ने मूव किया कितनी देर के लिए, 0.1 आवर के लिए, यानी कि लगभग 6 मिनट के लिए, इतनी देर के लिए इतनी वेलोसिटी हो गई। फिर इसके बाद में क्या बताया जा रहा है, इसके बाद कह रहा है देन फॉर 0.4 आवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, फिर अगले 0.4 आवर के लिए विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर, तो इसके बाद 0.4 आवर कितने हो जाएंगे, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, तो अगले 0.4 आर हो गए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 यहाँ तक। तो यहाँ तक के लिए कार की वेलोसिटी कितनी है, कार की वेलोसिटी हमारी है 60 किलोमीटर पर आर, तो यहाँ से यहाँ तक 60 बना लो, ये आ जाएगा 20, फिर 40, सेम दूरी पे लेना है, ये हो गया 60। सो यहाँ से 60 किलोमीटर पर आर स्पीड चालू हो जाएगी अगले 4.4 आर्स तक, ये हो गया ग्राफ इस तरह, जब स्पीड एकदम से चेंज होगी तो ये स्ट्रेट बनेगा इस तरह, राइट। फिर इसके बाद एंड लास्ट में क्या है, एंड इन द लास्ट 0.2 आवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, तो लास्ट के 0.2 आवर्स में, तो लास्ट के 0.2 आवर भी यहाँ पे बना देते हैं, ये हो जाएंगे इस तरह 0.6 एंड 0.7, तो लास्ट के जो ये 0.2 आवर्स हैं इसमें कितनी स्पीड है, फिर से उसकी स्पीड कितनी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, फिर से नीचे आ गए यहाँ पे, तो ये लास्ट के वो 0.2 आवर्स हो गए। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन का। तो यहाँ पे पहले पूछा गया है हाउ मच डिस्टेंस द कार मूव्स इन द फर्स्ट टाइम इंटरवल, तो पहले टाइम इंटरवल में कार ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। सो ये तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम एरिया निकाल दें तो हमें पहले पोर्शन में कार ने कितना मूव किया है पता लग जाएगा एरिया निकाल के। तो पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ मच डिस्टेंस कार मूव्स इन द फर्स्ट टाइम इंटरवल, तो पहले टाइम इंटरवल में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा एस, और यहाँ पे चाहे तो तुम लेटर्स देख सकते हो ए, और यहाँ पे बी लिख दो, सी डी ई एफ, इस तरह हमने रीजन्स मान लिए। तो यहाँ पे एस डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, पहला जो डिस्टेंस है ए टू बी तक का वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ कितना इतने पोर्शन का सिर्फ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा है 20, ये तुम्हारा है 0.1, सो ये हो जाएगा 20 इंटू 0.1, एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, सीधे से इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, तो 20 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा 10 लग जाएगा नीचे, ये 10 से 10 जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा। तो कार ने पहले इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 किलोमीटर का। सेकंड पार्ट में पूछा गया है हाउ मच डिस्टेंस द कार मूव्स इन द होल जर्नी, फिर पूछा गया है पूरी जर्नी में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो पूरी जर्नी में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसके लिए तुम यहाँ पे पूरा यहाँ एरिया निकाल दो, पूरा एरिया, तो यहाँ पे कितने एरिया हो जाएंगे, एक एरिया तो ये हो गया, दूसरा एरिया ये हो जाएगा और तीसरा एरिया ये हो जाएगा, तो बस इन सारे एरिया का यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो तो यहाँ पे ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, S इज इक्वल टू पहला एरिया तो यही हो गया 20 इंटू 0.1 प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना होगा, यहाँ की लेंथ है तुम्हारी 60 और ब्रेथ कितनी है, यहाँ से 0.1 से 0.5 तक ये 0.4 हो जाएगी, तो यानी कि
60 × 0.4, ये तुम्हारा बीच वाला रेक्टेंगल हो गया। फिर इसके बाद लास्ट ये वाला रेक्टेंगल, इसका कितना हो जाएगा एरिया, यहाँ पे लेंथ तुम्हारी 20 है और ब्रेथ कितनी है 0.2, तो ये हो जाएगा 20 × 0.2। ये हम एरिया निकाल रहे हैं अलग अलग इंटरवल्स का, तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो यहाँ पे पॉइंट हटेगा 0 0 कट जाएगा, ये बचेगा 2, यहाँ पे पॉइंट हटेगा ये आ जाएगा 6 4 24। फिर उसके बाद यहाँ भी पॉइंट हटा के 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4, तो बस 2 + 4 = 6 और 24 + 6 ये आ जाएगा 30 किलोमीटर। सो यहाँ पे कार ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है 30 किलोमीटर। इसके बाद लास्ट पार्ट देखते हैं क्या पूछा गया है, यहाँ कैलकुलेट करते हैं। सो थर्ड पार्ट हमारा है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि कितने टाइम में कार ने 14 किलोमीटर कवर किए। देखो कार ने 2 किलोमीटर तो यहाँ तक कवर कर लिए हैं, इस जगह तक, ठीक है। इसके बाद 2 किलोमीटर के बाद कितने बचे, 14 में से 2 निकाल दो, 12 किलोमीटर। अब हमें ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर कहाँ पे खत्म होंगे, 12 किलोमीटर कैसे आएंगे। तो देखो थर्ड पार्ट में हमें डिस्टेंस बता दिया गया है 14 किलोमीटर, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया निकालते जाओ, पहले हिस्से का एरिया क्या है 2 किलोमीटर, इतने पार्ट का जो एरिया आया था वो कितना था, वो था 2 किलोमीटर। सो ये तो 2 किलोमीटर हो गया, प्लस आगे यहाँ पे कितने टाइम तक हम निकालेंगे उसका एरिया देख लो। सपोज मान लो यहाँ कहीं तक आया, यहाँ टी टाइम हमने मान लिया, तो मान लो इतने टाइम तक हमारे 14 किलोमीटर पूरे हो गए, तो क्या करो, मल्टीप्लाई 60 यानी कि इस वाले लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो टी टाइम से, यहाँ कहीं तक का एरिया हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 60 × t। बस यहाँ पे तुम ये निकाल लोगे कि 14 किलोमीटर कवर करने में कितने टाइम तक का एरिया तुम यूज करोगे, मतलब कितने टाइम में 14 किलोमीटर कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा एरिया अगर हम लेंगे तो हम 14 किलोमीटर से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो बस यहाँ पे सॉल्व कर दो इसको, 14 - 2 ये करोगे, ये आ जाएगा 12 किलोमीटर = 60 t, तो ये हो जाएगा तुम्हारा t = 12, इसको तुम कैंसिल भी कर सकते हो, जाएगा 12 × 5 = 60 और ये आ जाएगा 1/5, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.2, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू 0.2, तो 0.2 टाइम के बाद में तुम्हारा इतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा। सो यहाँ पे 0.2 टी आया है, टी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो 0.2 जोड़ लो 1 के बाद, ये हो जाएगा 0.1 0.2, यहाँ तक का टाइम तुम्हारा आ जाएगा। यानी कि इसको शेड भी करना है, देखो लास्ट से पूछा गया है इंडिकेट दैट एरिया इन योर ग्राफ विच इंडिकेट जर्नी ऑफ फर्स्ट 14 किलोमीटर। सो यहाँ पे फर्स्ट 14 किलोमीटर की जर्नी तुम्हारी कहाँ तक आएगी, यहाँ तक, तो फर्स्ट 14 किलोमीटर की जर्नी तुम्हारी यहाँ तक होगी। सो आई होप समझ में आ गया होगा ऐसा क्वेश्चन भी, अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में लेके तुम लोग पूछ लेना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ये है, इस तरह से हमें क्वेश्चन को समझ के पहले ग्राफ बनाना था, उसके बाद उस ग्राफ की हेल्प से यहाँ पे हमें इन सारी वैल्यूज को निकालना था। सो आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलो इसके बाद अभी हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, द टाइम वेलोसिटी ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे टाइम वेलोसिटी ग्राफ दे रखा है, मैंने बोला था फर्स्ट एंड सेकंड टाइप की ग्राफ ही ज्यादा आते हैं, ज्यादातर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर आता है। वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। सो यहाँ पे बेसिकली ये कार का देखो मोशन दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कार ऐसे जा रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये तुम्हें वेलोसिटी का चेंज दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे 0 से A तक यानी कि 2 सेकेंड्स तक यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ वेलोसिटी का, फिर A से B तक यहाँ वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, ठीक है, तभी तो वेलोसिटी कम हो रही है। फिर उसके बाद B से यहाँ तक, इस जगह तक तुम्हारी वेलोसिटी सेम रह रही है, फिर वेलोसिटी कम होकर 0 हो जा रही है। तो ये इस तरह कुछ चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में निकालना है हमें एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू B, बहुत ईजी है। एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो। सो एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू B क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन के लिए स्लोप निकालना होता है, तो स्लोप के लिए क्या करोगे, वही y2 - y1 / x2 - x1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x1 y1 और यहाँ पे हो जाएगा x2 y2, यहाँ का पॉइंट y वाला ले लो 2 और यहाँ का पॉइंट ये हो जाएगा y1 5, तो ये हो जाएगा 2 - 5। हमेशा याद रखना बाद वाले पॉइंट में से पहले वाला पॉइंट माइनस किया जाता है, बाद वाला पॉइंट ये 2 है, पहले वाला पॉइंट 5 है, तो 2 - 5 ये हो गया y2 - y1। फिर उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, x2 - x1, x2 क्या है, ये वाली वैल्यू 3 और x1 क्या है 2, तो 3 - 2 ये हो जाएगा x2 - x1। बस ये कितना आ जाएगा, 2 - 5 करोगे माइनस का 3 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 - 2 1, तो ये आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -3 और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा नेगेटिव एक्सीलरेशन, देखो आ रहा है फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे ए से बी तक हमें दिख भी रहा है कि वेलोसिटी कम हो रही है, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा। चलो इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट 4 सेकंड। तो आखिर के 4 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है ये हमें निकालना है। आखिर के 4 सेकंड कहां से कहां तक हो जाएंगे, 4 3 7 यानी कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का हमें टोटल डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस के लिए क्या किया जाता है, डिस्टेंस के लिए एरिया फाइंड किया जाता है। सो अगले सेकंड पार्ट में फॉर टोटल डिस्टेंस इन द लास्ट 4 सेकंड्स, एस इज इक्वल टू हो जाएगा इतने का एरिया, विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ 3 to 7 सेकंड। बस एरिया निकाल लो यहां से यहां तक का। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का डायरेक्ट यहां से एरिया हम निकाल लेंगे। सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक पैरेलल साइड है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से 5 माइनस करो तो ये हो जाएगा 2 डिस्टेंस, और 3 से 7 ये हो जाएगा 4 डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 4। ये मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, चाहे तो तुम अलग निकाल सकते थे, पहले इसे स्क्वायर का निकाल लेते फिर इस ट्रायंगल का निकाल लेते, ऐसे भी हो सकता था। यहाँ पे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा कि डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, ये साइड और ये साइड का लेंथ प्लस कर दो, ये 2 है और ये 4 है पूरा साइड 3 से 7 तक का डिस्टेंस। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय जो दोनों के बीच का यहाँ पे हाइट है वो यूज कर लो, ये हो जाएगी 2। बस इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अंदर आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6, ठीक है, और ये तुम्हारा डिस्टेंस है तो ये आ जाएगा तुम्हारा मीटर्स में। अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं अलग अलग करके बता देता हूँ, एक और तरीका देख लो। और अगर S निकालना है ऐसे तो यहाँ पे 2 हिस्सों में तुम निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हो, इसका अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो एरिया, तो इतने का एरिया क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एक स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये 2 डिस्टेंस है, यहाँ पे ये 2 डिस्टेंस है, तो यानी कि ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 into 2 प्लस इसके बाद यहाँ पे ट्रायंगल बच रहा है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ पे बेस क्या है 5 से 7 तक का, यानी कि 2 बेस है, हाइट कितनी है 0 से 2, ये भी हाइट भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2 into 2, बेस भी 2 हाइट भी 2, बस इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2 2 4, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, 4 + 2 कितना आ जाएगा 6, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, बात एक ही है, एरिया निकालने से मतलब है। तो एरिया आ गया, यानी कि डिस्टेंस कितना आ गया लास्ट के 4 सेकंड्स का, 6 मीटर्स। तो लास्ट के 4 सेकंड्स में यहाँ पे हमारी कार ने कितना ट्रेवल किया होगा, 6 मीटर्स। सो आई होप समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। तो इसके बाद अभी हम लोग सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पे इसको रीड करते हैं, एज सून एज अ कार जस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ पे एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है इन अ सर्टेन डायरेक्शन, अ स्कूटर मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ओवरटेक्स द कार। तो यहाँ पे 2 चीजों की देखो बात हो रही है, एक कार है और एक स्कूटर है, 2 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं और दोनों ही मूव कर रहे हैं। सो यहाँ पे दोनों का ही ये ग्राफ एक साथ बना के दे दिया गया है। फिर यहाँ बताया गया है देयर स्पीड टाइम ग्राफ्स आर शोन इन द अबव फिगर। तो ये नीचे बना है बट अबव पता नहीं क्यों लिखा है इन्होंने। तो यहाँ पे ये कार है और ये हमारा स्कूटर है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, इससे वी हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम द ग्राफ एक्सेलरेशन ऑफ द कार इनिशियली। शुरुआती एक्सेलरेशन कार की बतानी है हमें। एक्सेलरेशन कैसे बताएंगे कार की, तो पहले कार वाला ग्राफ देखो, जो कार का ग्राफ है वो ये है, पहले कार ऐसे जा रही है, उसके बाद कार एक्सेलरेट नहीं कर रही है, कार फिर ऐसे जा रही है। तो यहां से यहां तक ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं। तो हमें ये बताना है कि कार का एक्सेलरेशन ए से बी तक कितना है। दिख रहा है कि वेलोसिटी यहां से स्पीड जो है बढ़ रही है, 0 से 60 तक हो गई है। तो यानी कि शुरुआत में कार ने एक्सेलरेट किया है यहां से यहां तक, यही हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बताना है एक्सेलरेशन ऑफ कार कहां से कहां तक, ए टू बी तक का। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप निकाल लो, स्लोप से क्या आ जाएगा, स्पीड अपॉन टाइम, यानी कि चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम, ये तुम्हें एक्सेलरेशन दे देगा ए से बी तक का स्लोप। तो यहाँ पे हो जाएगा y2 - y1, यहाँ पे x2 y2 है, यहाँ पे x1 y1 है, 60 - 0 करेंगे, ये हो जाएगा y2 - y1 60 - 0 अपॉन x2 - x1 12 - 0, ये आ गया, 0 0 हट जाएंगे, खत्म कर दो उनको, 12 5 60 आ जाएगा 5, और यूनिट आ जाएगा हमारा स्पीड जिसमें है मीटर पर सेकंड में, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर एक्सेलरेशन। इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं अभी। सेकंड पार्ट में है द टाइम एट विच द स्पीड ऑफ द कार बिकम्स इक्वल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर। तो ये यहीं पे देख लो,
ये कार का तुम्हारा जो ग्राफ है वो ये है, कार का ग्राफ, स्कूटर का ग्राफ सॉरी, ऐसे जा रहा है, ये स्कूटर का ग्राफ है। तो कहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहीं पे तो स्पीड बराबर हो रही है। यहाँ पे 30 स्पीड स्कूटर की ऑलरेडी है और यहाँ पे तुम्हारी कार की भी स्पीड 30 हो जा रही है। तो कितने टाइम पे ये हो रहा है ग्राफ से देख लो, इसको नीचे अगर लेके आएंगे तो यहाँ पे 4 और 8 के जस्ट बीच में, 4 और 8 के जस्ट बीच में क्या आएगा, 6 आएगा। तो यानी कि 6 सेकेंड के बाद कार और स्कूटर की स्पीड सेम हो जाएगी। तो सेकेंड पार्ट का हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सेकेंड पार्ट कि कितने टाइम के बाद द स्पीड ऑफ द कार बिकम्स इक्वल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 सेकेंड्स के बाद। सो आफ्टर 6 सेकेंड्स, ये हम ग्राफ से देख के बता सकते हैं सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद थर्ड पार्ट है द डिफरेंस इन द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द स्कूटर एंड द कार इन 12 सेकेंड। 12 सेकंड में डिस्टेंस के बीच का जो अंतर है कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया और स्कूटर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उनके बीच का अंतर कितना है, द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस ट्रेवर्स्ड बाय स्कूटर एंड द कार इन 12 सेकंड्स। तो किसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका डिस्टेंस कम होगा, वो अभी हम देख लेते हैं। तो पहले हम निकालते हैं दोनों का डिस्टेंस, थर्ड पार्ट में डिस्टेंस ऑफ कार, कार का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कार के डिस्टेंस के लिए कार का एरिया निकाल लो, कहां से कहां तक, 12 सेकंड तक निकालना है, ध्यान रखना। The distance, the difference in the distances traveled in 12 seconds, 12 seconds में, तो 12 seconds तक का ही निकालेंगे एरिया, ध्यान रखना। एरिया निकालते हैं जब velocity time या speed time graph का, तो हमें क्या मिलता है, distance मिलता है। तो एरिया निकाल लो यहाँ तक का, पहले कार वाले का निकालेंगे एरिया, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल इतना, तो इतने ट्रायंगल का एरिया अगर निकाला जाएगा कार के लिए, तो डिस्टेंस बाय कार हो जाएगा तुम्हारा हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ तक का बेस कितना हो गया एक्स एक्सिस 12, हाफ इंटू बेस हो गया 12, हाइट कितनी है यहां से यहां तक, ये है तुम्हारी 60, और हाइट उधर से देखोगे वाई एक्सिस से, ये हो जाएगी 60। तो बस सॉल्व कर लो इसको, 2 से कट जाएगा ये 6, 6 हो गया 36, ये आ गया तुम्हारा 360 मीटर, 360 मीटर कार ने डिस्टेंस कवर किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्कूटर का निकालेंगे, तो स्कूटर के लिए ये वाला एरिया निकलेगा, ये वाला एरिया, तो स्कूटर का एरिया निकालते हैं अभी, तो स्कूटर का डिस्टेंस आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ स्कूटर, तो स्कूटर के डिस्टेंस के लिए स्कूटर का एरिया आ जाएगा, रेक्टेंगल है ये, तो यहाँ पे हाइट है 30 और ये 0 से 12 तक, तो यानी कि 30 × 12, ये आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये ब्रेथ हो गई 30, ये लेंथ हो गई 12, बस सॉल्व कर दो, ये कितना आ जाएगा 12 × 3 = 36 मीटर। सो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, दोनों ने ही सेम डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ से यहाँ तक स्कूटर ने भी इतना डिस्टेंस कवर किया 360, और यहाँ से यहाँ तक कार ने भी इतना डिस्टेंस कवर किया, सो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, सो डिफरेंस इज इक्वल टू 0, डिफरेंस 0 आ गया यहाँ पे, सिंपल। इसके बाद लास्ट देखते हैं After how much time this difference will become 120 meters? So कितने समय के बाद ये difference 120 meter का बनेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देख लो यहाँ पे इतने तक तो zero difference है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके आगे का हम देख लेते हैं कि कितने distance के बाद में 120 meter का gap आता है। तो यहाँ पे इसको solve करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ मानना पड़ेगा, Let after t time The difference become कितना 120 meters। तो हमने टी टाइम मान लिया, टी टाइम हमने अपनी तरफ से मान लिया, तो मान लेते हैं यहाँ पे टी टाइम के बाद हमारा ये डिफरेंस कॉज हुआ है, तो यहाँ पे एरिया निकाल लो टी दूरी तक का, सो यहाँ पे डिफरेंस हमें चाहिए 120 मीटर का, इज इक्वल टू, यहाँ पे कार का डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा, कार वाला ज्यादा पे है, तो कार हो जाएगा तुम्हारा, कार के लिए ये तुम्हारा 60 है और यहाँ पे टी टाइम तक कार को चलाना है, तो ये हो जाएगा 60t माइनस नीचे स्कूटर, स्कूटर भी सेम अब स्पीड पे जा रहा है, वो तो पहले से इतनी स्पीड पे था, ये है 30, 30 की स्पीड पे जा रहा है, मतलब ये हाइट तुम्हारी 30 हो गई यहाँ पे, और ये भी टी टाइम तक चलेगा, ये हो जाएगा 30t। आई होप समझ में आ गया होगा, ये जो 60t और 30t लिखा है, 60t तुम्हारा कार का एरिया है और स्कूटर का एरिया 30t हो गया। तो कितनी देर के बाद, कितने टाइम के बाद ये डिफरेंस तुम्हारा 120 होगा, ये निकाल लो यहाँ से, ये आ जाएगा 30t, ये हो गया 120। सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 3 से 4, तो ये कट जाएगा अगर तुम्हारा 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, तो यानी कि 4 सेकेंड के बाद, लेकिन 4 सेकेंड कहाँ, 4 सेकेंड 12 के बाद, यानी कि 16 तक, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा,
आफ्टर 12 प्लस टी यानी कि कितना 16 सेकेंड्स। तो 16 सेकेंड के बाद में हमारा यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा 120 मीटर का, यानी पूरा ग्राफ यहाँ पे कवर हो जाएगा और 16 के बाद यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंस आ जाएगा 120 मीटर का, यानी कार 120 मीटर ज़्यादा ट्रेवल कर लेगी, राइट। सो आई होप ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा सभी लोग को। अगर कहीं पे कोई डाउट हो नीचे कमेंट्स में लिख के पूछ लेना, बता दूंगा। चलो इसके बाद ये बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अभी हम लोग करते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे इसको हम एक फिगर बना लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे कहा गया है एक टावर है और इस टावर के टॉप से एक लड़के ने ऐसे एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया ऐसे। तो अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। फिर है द बॉल स्ट्राइक्स द अर्थ आफ्टर 5 सेकेंड्स ऑफ इट्स थ्रोइंग। तो इस बॉल को फेंकने के बाद पहले तो ये ऊपर गया होगा, फिर उसके बाद ये रुक के ऐसे नीचे गिरा होगा यहाँ पे। तो 5 सेकेंड के बाद, आफ्टर 5 सेकेंड्स टोटल टाइम यहाँ पे 5 सेकेंड का लग रहा है, 5 सेकेंड के बाद ये बॉल नीचे जमीन पे आके गिरने वाला हो गया, मतलब गिर गया के यहाँ पे। ये है यहाँ पे। अब आगे है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। हमसे पूछा गया कि बताओ इस टावर की हाइट कितनी है, तो काफी कम इन्फॉर्मेशन हमें गिवेन है और इतनी जानकारी से हमें हाइट ऑफ द टावर बतानी है, कितनी टावर की हाइट रही होगी शुरुआत में। तो ये कैसे निकालेंगे हम, देखो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इक्वेशन लगा के कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। पहले तो यहाँ पे समझ लो क्या दिया है हमें। यहाँ पे u का वैल्यू पता है हमें, टाइम टोटल पता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से नीचे तक आने में टोटल टाइम इतना लग रहा है ये पता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्वेश्चन में दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ से यहाँ तक का हाइट ये दे रखा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बॉल जब यहाँ पे आई तब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम ये अलग से हमें पता होना चाहिए। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट पहले ऊपर जाके नीचे आएगा तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लगा के कुछ नहीं निकालेंगे, ये बात दिमाग में रखना। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदलता है तो हमें अलग अलग टुकड़ों में रख के देखना पड़ेगा चीज़ें कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा और यहाँ से फिर नीचे आने में और कितना समय लगा। तो यहाँ पर अलग अलग हम टुकड़ों में सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे सपोज बॉल ऐसे थी, बॉल पहले ऊपर गई यहाँ पे, ऊपर यहाँ एक हाइट तक गई, यहाँ पे वो रुक गई होगी, उसका वेलोसिटी जीरो हो गया होगा, फिर वो बॉल नीचे आ गई होगी यहाँ तक इस जगह तक। तो इन पॉइंट्स को हम मान लेते हैं, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए से बी तक आने में बॉल को कितना समय लगा ये हमको निकालना है। अब यहाँ पे जब ए पॉइंट पे बॉल थी तो इसको हमने कितनी वेलोसिटी से फेंका था 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से फेंका था, किधर ऊपर की तरफ। तो जब भी कोई चीज़ ऊपर या नीचे फेंकी जाएगी दोनों का साइन यहाँ पे चेंज होना चाहिए। कोई चीज़ ऊपर को फेंकी जा रही है, अगर ऊपर को नेगेटिव ले रहे हो तो नीचे को पॉजिटिव लो। नीचे को पॉजिटिव इसलिए लेंगे बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे पॉजिटिव है। टाइम तो स्केलर है उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एच भी नीचे की तरफ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यू तुम्हारा ऊपर की तरफ था। और जब फाइनली बॉल यहाँ तक आएगी जो इसका v वेलोसिटी होगा वो भी नीचे की तरफ ही आएगा। सो यहाँ पे ध्यान रखना हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो h निकालना है और दूसरा v का वैल्यू निकालना है। सो यहाँ पे इनको कैसे निकालेंगे देख लो। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि बॉल को यहाँ a पॉइंट से b पॉइंट तक आने में कितना समय लगा। तो ये अलग से हमें निकालना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज जब हम एच का वैल्यू निकालेंगे तो हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का टाइम चाहिए, बी से यहाँ नीचे तक आने का। तो पहले ऊपर का टाइम निकाल लो, ए से बी तक बॉल ने कितना टाइम अपना लगाया, टोटल 5 में से हम उतने टाइम को माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा यहाँ से यहाँ तक में कितना समय बॉल लेगी। तो ये काम हमें अलग से करना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज बॉल अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। ये हम बार बार इसीलिए फोकस कर रहा हूँ बिकॉज बच्चे डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बट वैसे नहीं आएगा। तो यहाँ पे पहले तो ये पता लगाया जाए कि बॉल यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय ले रही है। तो ये तो यू ऊपर की तरफ हमने बॉल को फेंका था, फिर जब बॉल ऊपर गई तब इसका वेलोसिटी जीरो हो गया एक पॉइंट पे जाके, फिर बॉल नीचे को गिरना स्टार्ट हो गई और बी पॉइंट पे आ गई। तो जब ये बॉल यहाँ पे आएगी तो इस जगह पे इसका जो वेलोसिटी होगा वो सेम 20 मीटर पर सेकेंड होगा लेकिन नीचे की तरफ होगा। तुमने बॉल को जितनी वेलोसिटी से फेंका होगा ऊपर जाके वो जीरो हो जाएगी और फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको बढ़ा के जब सेम पॉइंट तक बॉल आएगी तो उसका वेलोसिटी फिर से उतना ही हो जाएगा जितने से उसको फेंका गया था, बस डायरेक्शन पहले ऊपर को था अब नीचे को हो जाएगा बॉल की वेलोसिटी का। तो यहाँ पे
इतने के लिए हम जरा सॉल्व करते हैं पहले वेलोसिटी, मतलब दोनों को यहाँ पे रखे कि कितना यहाँ टाइम लगेगा, इतने के लिए पहले टाइम निकालते हैं इतने पर्टिकुलर पोर्शन के लिए। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये v है। तो यहाँ पे v हमारा नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ वाली चीज़ों को हम पॉजिटिव मानते हैं, g भी यहाँ नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे v हमारा 20 हो जाएगा पॉजिटिव, u ऊपर को फेंका गया था ये निगेटिव लेना 20, प्लस जी टी, जी हमारा 9.8 है प्लस में लेंगे बिकॉज नीचे की तरफ की चीज़ों को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और टाइम ये हमें निकालना है। तो 20 इधर ले, ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 9.8 टी, तो टी इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 9.8, इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट हटेगा जीरो लग जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा, दो से काट दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 200 अपॉन 49, ये आ गया तुम्हारा टाइम। ठीक है, ये टाइम कहाँ से कहाँ तक आ गया, टाइम फॉर बॉल टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में बॉल ने इतना टाइम लिया। सो टाइम जो यहाँ से यहाँ तक जाने में अब लगेगा, बी से इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी, सो यहाँ पे इसको अलग से हम निकाल लेते हैं, सो टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच फ्रॉम बी टू सी। अब B से C तक जाने में बॉल कितना टाइम लेगी वो हम निकाल लेते हैं, टोटल पांच में से टोटल टाइम बॉल ने पांच लिया था, A से B तक का टाइम इसमें से माइनस कर दोगे यहां से यहां तक का टाइम तो मिल जाएगा, तो ये जो टाइम होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल टाइम पांच में से हम बॉल का A से B तक का जाने का टाइम माइनस कर देते हैं, A से B तक बॉल ने कितना टाइम लिया 200/49। ये मैं फ्रैक्शन में इसलिए ले रहा हूँ, तुम चाहे तो कैलकुलेटर से इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, फ्रैक्शन में लेने से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू तुम्हें मिलेगा। अब यहाँ पे 49 इंटू 5 एलसीएम लेके सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 9 45, 4 यहाँ पे कैरी जाएगा, 5 4 20 245 आगा, ये होगा 49 और माइनस 200, ये हो जाएगा तुम्हारा 45/49, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया टाइम तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक, जब बॉल यहाँ से नीचे तक जाएगी तो इतना टाइम लेगी, ये टाइम का ही तुम्हें यूज करना है, इतना काम तुम्हें करना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो इतना काम करने के बाद अब हम सॉल्व करेंगे कि B से C तक जाने के लिए बॉल, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना टाइम लेगी वो तो हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे अब हम लेंगे फ्रॉम B टू C, इतने पार्ट ऑफ जो तुम्हारा जर्नी था बॉल का, यहाँ के लिए क्या लगेगा ये लगा दो, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ बी से सी तक आने में, एस तो तुम्हारा यही एच हो गया, तो यहाँ पे ये तो एच हो जाएगा, इट इज इक्वल टू जब बॉल बी पे आ गई तो बी पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 20, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 20 जो कि नीचे की तरफ होगी अब, क्योंकि बॉल जब बी तक आ गई है तो बॉल नीचे को गिरने लगी है, तो वेलोसिटी तुम्हारी ये भी प्लस की हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय टी, टी कितना हमने निकाला अभी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 45/49, तो मल्टीप्लाई बाय 45/49 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाफ मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 45/49 का स्क्वायर, ये चाहो तो कैलकुलेटर लेके तुम सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे 45/49 कॉमन ले लो, एक साथ मल्टीप्लाई करना बाद में, मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 20 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 45/49, ये आ गया। यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा दो, 49 से कट जाएगा ये आ जाएगा तुम्हारा 2 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 4.5, तो ये आ गया 45/49 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये हो गया तुम्हारा 4.5, तो ये आ जाएगा 45/49 मल्टीप्लाई बाय 24.5, इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, ये आ जाएगा 22.5, ठीक है 22.5 हाइट ये आ जाएगी तुम्हारी मीटर्स में, सो ये आ जाएगा तुम्हारा हाइट ऑफ द टावर, इतना हमें करना पड़ेगा तब जाके हम हाइट ऑफ द टावर निकाल पाएंगे। सो थोड़ा सा टफ तो था ये, लेकिन आई होप समझ में आ गया होगा सही बच्चों को ये, तो अगर कहीं पे भी कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो बता देना, मैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स और भी अलग से वीडियो में करवा दूंगा, राइट। सो एक चीज़ तो हमने निकाल ली कि यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर क्या है, एक और चीज़ भी हमें बतानी है, वॉट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल वाइल स्ट्राइकिंग द अर्थ,
एक और चीज हमें ये बतानी है कि v कितना होगा जब बॉल नीचे वापस आएगी अर्थ तक, तब यहाँ पे उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूज कर सकते हैं जिसमें v आता हो। थर्ड पार्ट के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी यूज कर लो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। बस ध्यान रखना कहाँ पे क्या चीज यूज कर रहे हो, b से c तक का पार्ट हम यूज करेंगे सब चीजें निकालने के लिए। तो यहाँ के लिए u कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे u हमने माना है इस जगह के लिए u है 20 मीटर पर सेकेंड, सो यहाँ पे हो जाएगा u हमारा 20 प्लस जी टी, जी हमारा कितना है 80, मतलब यहाँ पे 9.8 हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और टाइम कितना, टाइम जो हम b से c तक आने में लगाएंगे यानी कि 45/49, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 45/49। पॉइंट हटेगा या नीचे जीरो लगेगा, 49 टू जाए कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे काट सकते हो 5 2 10, 5 9 45, 2 से 2 कट जाएगा 9 आ जाएगा, आ जाएगा तुम्हारा 29 और वेलोसिटी है तो ये आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो जब बॉल नीचे सी पॉइंट तक पहुंचेगी तब उसका फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 29 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप ये पूरा क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, टू बॉल्स ए एंड बी, दो बॉल्स हैं ए एंड बी आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ उनको फेंका गया है, ए वर्टिकली अपवर्ड्स, ए को अपवर्ड्स फेंका गया है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड, एंड बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम अ हाइट 40 मीटर विद द सेम स्पीड। तो यहाँ पे दो बॉल्स को देखो फेंका जा रहा है, एक ए बॉल है एक बी बॉल है, ए को ऊपर फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्रॉम द ग्राउंड से, एंड बी को वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका जा रहा है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। इसको बना लेते हैं ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्या किया जा रहा है, बी बॉल जो है इसको नीचे की तरफ फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और एक ए बॉल है इसको ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ये ए हो जाएगी और इसकी सेम स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये है। और बी बॉल की जो हाइट है इसको फेंका जा रहा है कितना, ये हाइट जो है ये हाइट है तुम्हारी 40 मीटर्स की। तो ये हो गया अलोंग द सेम लाइन ऑफ मोशन, तो सेम लाइन से उनको ऊपर और नीचे ऐसे फेंका जा रहा है। फिर है, एट व्हाट पॉइंट डू द बॉल्स कोलाइड, होगा क्या कि यहाँ पे बी और ए वाली बॉल ऊपर जाएगी बी वाली बॉल नीचे आएगी, तो किसी पॉइंट पे यहाँ पे कहीं ये कोलाइड कर जाएंगी, आपस में लड़ जाएंगी। तो किस पॉइंट पे ये लड़ेंगी जाके, ये हमें बताना है। तो जिस पॉइंट पे ये लड़ेंगी इसको हम मान लेते हैं सपोज एक्स मान लेते हैं, जिस हाइट पे भी ये लड़ेंगी, तो यहाँ पे ये एक्स पॉइंट हो गया। सो यहाँ पे हमें यही बताना है किस एक्स पॉइंट पे ये आके कोलाइड कर जाएंगी। तो कैसे निकालेंगे समझते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो इक्वेशंस बना लेते हैं, एक ऊपर वाली बी वाली बॉल के लिए और एक नीचे ए वाली बॉल के लिए। बी वाली बॉल के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ तक के लिए एक्स पॉइंट पे इनको कोलाइड करना है। तो बात ये आती है कि यहाँ पे हम कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन तो हम यूज नहीं कर सकते, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नहीं पता बॉल का, टाइम भी नहीं पता है बट वेलोसिटी भी हमें नहीं पता फाइनल, यहाँ पे बॉल का वेलोसिटी फाइनल जाके क्या होगा। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे टाइम आता है लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं आता है। लेकिन सेकेंड इक्वेशन का हम यूज करेंगे क्यों, बिकॉज हमें ये पता है कि जब भी दोनों बॉल्स यहाँ कोलाइड होंगी तो एट टी टाइम कोलाइड होंगी, टी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, सेम टाइम पे ही तो कोलाइड होंगी दोनों बॉल्स, ऐसा तो है नहीं एक 5 सेकंड बाद एक 10 सेकंड बाद कोलाइड करेगी। तो दोनों ही बॉल्स सेम टाइम पे फेंकी गई हैं, साइमल्टेनियसली फेंकी गई हैं, तो सेम टाइम टी पे ही दोनों आके कोलाइड भी करेंगी। तो इसीलिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलो इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे दोनों बॉल्स के लिए। तो बॉल नंबर ए वाली बॉल के लिए इक्वेशन अगर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा s इज इक्वल टू, एस तुम्हारा ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट x है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये x हम मान रहे हैं, तो ऊपर यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 40 - x, ये हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x माना गया है तो ऊपर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x में यहाँ नीचे लिख देता हूँ, अगर ये x माना गया है तो ऊपर क्या हो जाएगा 40 - x, तो ये कितना हो जाएगा 40 - x, ठीक है। तो अब देखते हैं ए वाली बॉल के लिए इक्वेशन बन रहा है, तो ए वाली बॉल के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बनाना है, क्या बन जाएगा x, s हो गया x, u कितना है, बॉल को फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ऊपर वाली चीज़ों को अगर प्लस मानोगे तो नीचे वाली चीज़ों को माइनस मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 20
ऊपर वाली चीज को हम प्लस मान रहे हैं, टाइम टी हमें नहीं पता बट इसको टी ले लेते हैं, प्लस हाफ। अब यहाँ पे जी जी जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, तो ये माइनस का हमें लेना पड़ेगा, यहाँ प्लस नहीं लगेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बिकॉज जी जो लगेगा बॉल पे नीचे की तरफ लगेगा। जी का वैल्यू कितना है 9.8 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, टाइम हमारा हमें नहीं पता तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन वन। इसी तरह हम सेकेंड बॉल का भी इक्वेशन बना लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा फॉर बी बॉल, जो सेकेंड बॉल है उसके लिए भी इक्वेशन बनेगा, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा देख लो, यहाँ भी यूज करते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से बॉल यहाँ तक आएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स, ध्यान रखना है यहाँ पे सेकेंड बॉल के लिए इक्वेशन बनेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 40 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बॉल डिस्प्लेस कर रही है। फिर उसके बाद में u कितना है बॉल का 20 मीटर पर सेकेंड, जो कि नीचे की तरफ है, इस बार नीचे की तरफ की चीज़ों को पॉजिटिव मान लो, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 20 t, और प्लस क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू। तो ये दोनों इक्वेशन बन गए, अब इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं आपस में। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब ऊपर नीचे लिख के दोनों को या तो ऐड कर दिया जाएगा या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को आपस में अगर ऐड कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे लिख देंगे एडिंग बोथ इक्वेशंस, आसान पड़ेगा ये, एडिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करोगे सिंपल x और माइनस x हट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 40 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में माइनस हाफ 9.8 टी स्क्वायर है, यहाँ प्लस हाफ 9.8 टी स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्या बचेगा 20t प्लस 20t, ये हो जाएगा 40t। सिंपल, बहुत ही आसानी से हो गया। अब यहाँ पे 40 कट जाएगा, t का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, तो टाइम आ गया 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के बाद बॉल्स यहाँ पे कोलाइड कर रही हैं, सो ये तो हमें पता लग गया, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे टाइम नहीं पूछा था, एट व्हाट पॉइंट, हमें पॉइंट बताना है किस पॉइंट पे बॉल्स कोलाइड कर रही हैं। तो बस t इज इक्वल टू 1 सेकंड किसी भी एक इक्वेशन में रखे हम यहाँ पे x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यूजिंग फर्स्ट, अब इसके बाद इतना करने के बाद में यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन x का वैल्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, ये हो जाएगा 20t, t का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 20 प्लस हाफ, यहाँ पे माइनस था पहले इक्वेशन में, माइनस हाफ 9.8, उसके बाद t स्क्वायर है तो t तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो बस इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 20 माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 से काट दो इसको तो ये हो जाएगा 4 जा और उसके बाद 9 जा 18, 4.9, तो ये कितना आ जाएगा 20 माइनस 4.9, ये आ जाएगा हमारा 15.1, तो 15.1 आ गया और ये हो जाएगा तुम्हारा मीटर्स, तो 15.1 मीटर्स अबव द ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड से हमने x डिस्टेंस को माना था, तो 15.1 मीटर अबव द ग्राउंड यहाँ पे बॉल्स कोलाइड करेंगी। सो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बॉल्स विल कोलाइड एट 15.1 मीटर्स अबव द ग्राउंड, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो बस आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन हमने कैसे किया। इस तरह हम दो इक्वेशंस बना लेंगे, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे और यहाँ पे हम टाइम निकाल लेंगे, टाइम की मदद से फिर हम पॉइंट बता देंगे, यानी कि वो डिस्टेंस बता देंगे जहाँ पे बॉल्स हमारी कोलाइड करेंगी। और यहाँ पे तुम जो चाहो तो अपना टाइम भी बता सकते हो आफ्टर 1 सेकंड्स, तो ये कंप्लीट आंसर हो गया। तो बॉल्स 1 सेकंड के बाद ही 15.1 मीटर अबव द ग्राउंड कोलाइड कर जाएंगी। सो ये हमारा पूरा आंसर हो गया। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो नीचे कमेंट्स में लेके पूछ सकते हो, और बाकी अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलो इसके बाद बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। सो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे है अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ 40 मीटर हाई बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड्स। तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ 40 मीटर हाई बिल्डिंग, एक मान लो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट है 40 मीटर्स, तो यहीं से एक बॉय है जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसने एक पत्थर वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, वहां बॉल थी यहाँ पे पत्थर है, विद अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से एक बॉल को फेंका गया है, यहाँ पे एक बॉय है, इसने एक पत्थर को ऊपर फेंका है इस तरह, और इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर है द स्टोन इवेंचुअली फॉल्स टू द ग्राउंड,
फिर उसके बाद ये पत्थर पहले ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद कहीं जाके रुकेगा, फिर उसके बाद ये आके ऐसे नीचे गिर जाएगा। तो फाइनली ये नीचे गिर गया। तो यहाँ पे हमसे सवाल ये करा गया है, आफ्टर हाउ लॉन्ग विल द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, तो स्टोन कितने टाइम के बाद नीचे ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पे टाइम, वहाँ पे हमको टाइम अच्छा दे रखा हुआ था, यहाँ पे हमसे टाइम पूछा गया है, और यहाँ पे और भी चीज़ें हमें निकालनी है, और फाइनली जी का वैल्यू हमें 10 दे रखा है। तो इस बार जी का वैल्यू 10 है, तो थोड़ा आसान रहेगा निकालना है इसको। तो चलो सॉल्व करते हैं भाई इसको। तो यहाँ पे हमें टाइम बताना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, जी का वैल्यू हमें 10 दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे हमने उस वाले क्वेश्चन में किया था, राइट। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि बॉल ने देखो डायरेक्शन अपना चेंज किया है, तो जब यहाँ पे बॉल एक्चुअली स्टोन है, तो यहाँ से यहाँ तक जब बॉल सेम पॉइंट पे यहाँ तक आएगी, यानी कि सेकंड पार्ट में जो चीज़ पूछी गई है, आफ्टर हाउ लॉन्ग विल द स्टोन पास थ्रू द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट वॉज प्रोजेक्टेड, तो यहाँ पे जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है स्टोन को, उतने ही पॉइंट पे आने में कितना वो समय लेगा ये हमको निकालना है। तो इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, सेम ही पॉइंट है वैसे, वो मैंने अलग अलग बना दिया है ताकि तुम्हें समझ में आए कि पत्थर पहले ऊपर जाएगा, फिर उतने ही पॉइंट तक नीचे आएगा, फिर फर्दर और नीचे जाएगा। तो यहाँ से पहले हम इतना निकाल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में पत्थर को कितना समय लगा। तो फर्स्ट पार्ट को मैं इधर निकाल देता हूँ, फ्रॉम ए टू बी पत्थर को आने में कितना समय लगेगा, ये सेकंड पार्ट है एक्चुअली। तो यहाँ पे ए से बी तक आने में पत्थर को कितना समय लगा, इसके लिए हम इक्वेशन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ एस इज इक्वल वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे सिंपल यूज़ कर लो, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बस यहाँ पे ध्यान रखना इक्वेशन में प्लस और माइनस किस किस को कैसे रखना है। इनिशियली वेलोसिटी किधर को है, ये है ऊपर की तरफ, जब यहाँ पे आ जाएगा पत्थर तो यहाँ पे v किधर की तरफ होगा, v नीचे की तरफ होगा, और v इतने के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे v नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो v तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि हो जाएगा कितना, 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव, क्योंकि जब इतने पॉइंट पे पत्थर पहुँचेगा तो ऊपर से आके उतने ही पॉइंट तक फिर से उसका वेलोसिटी उतना ही हो जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ हो जाएगा, तो ये 10 प्लस का हो गया। यू ऊपर की तरफ हमने फेंका था, तो इसको माइनस ले लेते हैं, माइनस 10 प्लस, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ वाली चीज़ों को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ग्रेविटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, ये हो जाएगा पॉजिटिव 10, और मल्टीप्लाई बाय टी, टाइम हमें नहीं पता, टाइम हमें निकालना है, तो टी यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। तो बस इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 20 प्लस हो जाएगा 10 इधर आके, इज इक्वल टू 10 टी, 0 0 कैंसिल कर दोगे, टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद में हमारा पत्थर उसी पॉइंट पे आ जाएगा जहां से उसको फेंका गया था, मतलब यहाँ से इतनी ऊंचे से फेंका गया था पत्थर, ऊपर गया और फिर 2 सेकंड के बाद यहाँ पे आ गया। तो इतना हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद हम ये निकाल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में पत्थर ने कितना समय लिया, बी से यहाँ पे मान लेते हैं सी पॉइंट, तो बी से सी जमीन तक आने में पत्थर कितना समय लेगा ये हम अलग से निकाल लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम हमें पता लग जाएगा। तो अब फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट हमारा सेकेंड पार्ट के बाद ही होगा, अब हमें ये निकालना है कि B से C तक आने में पत्थर को कितना समय लगा। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अगेन V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यूज़ कर लो, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन यहाँ पे हमें V नहीं पता है, फाइनल वेलोसिटी तो हमें नहीं पता, तो यहाँ पे ये ना यूज़ करो, सेकेंड इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इस बार हमें हाइट दे रखी है, इस बार हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, वहाँ पे नहीं पता था उस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे S हो जाएगा 40 इज इक्वल टू यू हमारा कितना है, B से C तक आने में जो वेलोसिटी B पॉइंट पे होगी वही इनिशियल होगी, तो B पॉइंट पे जब बॉल आया तो वहाँ पे उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, U ऊपर की तरफ है, यही यहाँ आके नीचे की तरफ हो जाएगा U के बराबर, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा लेकिन नीचे की तरफ, U हमारा 10 हो गया। फिर उसके बाद B से C तक आने में समय कितना लगा वो T मान लिया है, तो वही निकालना है हमें, तो ये हो गया T प्लस हाफ, और A तुम्हारा नीचे की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया 10 और T स्क्वायर, बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 10T प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 5 10, ये हो जाएगा 5T स्क्वायर, 5 से काट देते हैं पूरे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा T स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2T, और 40 को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5 से काट के 5 8 40 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसको सॉल्व करके टी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको फैक्टर्स में तोड़ लो,
वो हो जाएगा 4 2 8, 4 - 2 कर लेंगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t - 2t - 8 = 0। यहाँ पे t कॉमन लेंगे ये हो जाएगा t प्लस 4, माइनस 2 कॉमन लेंगे ये हो जाएगा t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा t माइनस 2 और t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगा t इज इक्वल टू 2, एक वैल्यू आ जाएगा t इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ पे एक वैल्यू आ गया t इज इक्वल टू 2 और एक वैल्यू आ गया t इज इक्वल टू माइनस 4। तो टाइम माइनस में तो होगा नहीं, टाइम होगा प्लस में, तो t इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम हमें मिल गया 2 सेकेंड्स। टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो सेकेंड पार्ट का जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि 4 सेकेंड के बाद हमारा जो पत्थर है वो नीचे गिर जाएगा, राइट। इतना है। अब इसके बाद सी पार्ट पूछा गया है, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। सो फाइनली यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना होगा थर्ड पार्ट में ये पूछा गया है। सो अब थर्ड पार्ट में तुम लोग पे छोड़ रहा हूँ, थर्ड पार्ट तुम लोग निकालना। फाइनल वेलोसिटी जब बॉल यहाँ पे नहीं पत्थर है, पत्थर जब नीचे आएगा तो फाइनल वेलोसिटी उसका कितना होगा। अगेन वही चीज है, v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा देना। u यहाँ पे जितना होगा यानी कि 10 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ u हो जाएगा। यहाँ पे इस जगह जो u लोगे वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और नीचे की तरफ होगा ये। और v निकालना है, v इज इक्वल टू u प्लस gt लग जाएगा। फाइनली निकाल के तुम लोग सॉल्व करना। आई होप समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। इसके बाद चलो ये बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चंस करते करते हम लोग लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और एक लेवल आपका है। पढ़ते हैं इसको क्या यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे है, एन एस्ट्रोनॉट जंप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन। एक एस्ट्रोनॉट एक एरोप्लेन से जंप करता है, आफ्टर ही हैड फॉलन 40 meters देन हिज पैराशूट ओपन्स। तो चलो इसको जरा बना लेते हैं, बना के ज्यादा अच्छे समझ में आएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो एक एरोप्लेन है, यहाँ पे हमारा एरोप्लेन हो गया, अच्छा सा बनाएंगे ताकि समझ में आए। ये एरोप्लेन हो गया, यहाँ से एक एस्ट्रोनॉट ने जंप किया, तो एस्ट्रोनॉट जंप करके कुछ नीचे तक आया, ये है। तो ये जंप करके 40 meters नीचे तक गिरा, ही जंप्स 40 meters नीचे तक वो आया। तो 40 meters आने के बाद नीचे, देन ही ओपन हिज पैराशूट, उसने अपना पैराशूट खोल लिया। तो यहाँ पे जो हमारा एस्ट्रोनॉट होगा, ये एस्ट्रोनॉट मान लो है, इसने अपना पैराशूट इस तरह खोल लिया है। फिर नाउ ही फॉल्स विद अ रिटार्डेशन ऑफ 2.0 meters per second square। अब जब पैराशूट कोई खोल लेता है तो वो रिटार्ड होने लगता है, थोड़ा थोड़ा धीमे होने लगता है, स्पीड धीमे होती है। तो यहाँ पे जैसे ही वो पैराशूट ओपन कर लेगा, यहाँ पे रिटार्डेशन होने लगेगा और फिर जाके वो जमीन पे ऐसे पहुंच जाएगा। देन ही रीचेस द अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 meters per second। तो जब वो अर्थ पे पहुंचेगा तब उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 3 meters per second। और ये बहुत कम वेलोसिटी है कि इतना कि वो मरेगा नहीं, वो आराम से लैंड कर जाएगा जमीन पे और बच जाएगा। तो ये चीजें हमें यहाँ पे बताई जा रही हैं। सो यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द एरोप्लेन। तो हमें पूछा गया है, हमसे पूछा गया है दैट यहाँ पे एरोप्लेन का जमीन से हाइट कितना था, h = ? ये हमें निकालना है। और दूसरी चीज, फॉर हाउ लॉन्ग एस्ट्रोनॉट रिमेन्ड इन एयर, हमें यहाँ पे टाइम भी बताना है। नाउ वी हैव टू ऑल्सो टेल दी टाइम कि कितने टाइम तक एस्ट्रोनॉट हवा में रहा, जमीन पे आने में उसको कितना समय लगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, हम दो हिस्सों में करेंगे। एक हिस्सा हमारा हो जाएगा जब एस्ट्रोनॉट प्लेन से यहाँ तक आया, जब उसने पैराशूट ओपन किया। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए पॉइंट, ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा बी पॉइंट हो जाएगा, और ये फाइनल पॉइंट जब आएगा वो लैंड कर जाएगा, ये सी पॉइंट हो जाएगा। तो हम लेबलिंग कर देते हैं, इससे हमें समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से कि कहाँ से कहाँ तक ये हम हर बार बात करेंगे। तो सपोज पहले हम निकालते हैं ए से बी तक का, यहाँ से यहाँ तक कितना उसको समय लगा, क्योंकि हमें समय निकालना पड़ेगा तभी हम आगे चीज़ें कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमें ये पता है कि जब उसने जंप किया होगा तो यहाँ पे उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा 0। जब उसने जंप किया यहाँ से, इनिशियली उसका वेलोसिटी कितना रहा, 0 meters per second। यही सब चीज़ें हमें देखनी है। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना उस पर लगेगा, g = 9.8। ये हमें यहीं दे रखा है, ये हमें यहीं दे रखा है, तो मैं यहीं पे मार्क कर देता हूँ। और u पता लग गया, g पता लग गया, हमें टाइम नहीं पता है कि कितने टाइम में उसने पैराशूट ओपन किया। हमें डिस्प्लेसमेंट पता है कि 40 मीटर्स आगे तब उसने पैराशूट ओपन किया, यानी हमें s का वैल्यू पता है। तो यहाँ हम कोई ऐसा इक्वेशन यूज़ करें जहाँ s आता हो और टाइम हमें निकालना है t आता हो, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 0 और a पता है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं कि कितने टाइम बाद उसने पैराशूट ओपन किया। तो यहाँ पे इस जगह मैं करूँगा इधर,
फर्स्ट पार्ट, तो फ्रॉम ए टू बी वाला हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ए से बी तक आने में क्या हो रहा है, तो यहां पे यूज कर लेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, मैं ए टी को जी टी लिखे दे रहा हूं, मतलब वही है। तो ये हो जाएगा एस हमारा है 40 मीटर, 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यू टी, यू हमारा कितना है जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा पूरा टर्म, प्लस हाफ जी का वैल्यू हमारा कितना है 9.8, जी हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, टी का वैल्यू हमें निकालना है, अभी निकाल लेंगे, तो बस ये हो जाएगा, इसको उधर ले आके सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 9.8 नीचे आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 2 डिवाइड बाय 9.8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सॉल्व कर लो इसको, ये कितना होगा, यहाँ पे पॉइंट हटा के एक जीरो और लगा सकते हो, तो ये आ जाएगा 2 से कटेगा, 2 1 2 और 2 4 8 2 9 18, तो ये आ गया 400 अपॉन 49 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दो इस साइड, तो स्क्वायर रूट करोगे ये कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 7 और ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 2 2 4 और 10, यानी कि टी की वैल्यू आ जाएगी 20/7, सो टाइम हमारा आ गया 20/7, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं टी इज इक्वल टू 20/7 सेकेंड्स। तो ए से बी तक आने में, यानी कि प्लेन से पैराशूट ओपन करने तक एस्ट्रोनॉट को इतना टाइम लगा, तो अब क्योंकि हमें टाइम पता लग गया, अब हम यहाँ पे एक और चीज भी निकाल सकते हैं, दैट बी पॉइंट पे जब उसने पैराशूट ओपन किया तब उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया था, सो यहाँ पे एक और चीज भी हम निकाल लेते हैं साथ साथ, दैट वी इज इक्वल टू सिंपल यूज कर लो यू प्लस ए टी, इनिशियली वेलोसिटी तो जीरो था, ए कितना है 9.8, मतलब इतने एक्सीलरेशन से उभर रहा है, टाइम जस्ट अभी हमने निकाल लिया कितना 20/7, इसको सॉल्व कर लो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, 0, 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 7 1 7, 7 4 28, ये हो जाएगा 14 into 2, ये आ जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड। सो इतना वेलोसिटी हो जाएगा एस्ट्रोनॉट का जब उसने इतने पॉइंट तक आके पैराशूट ओपन किया, कितना u इज इक्वल टू यहाँ के लिए, अब यहाँ से यहाँ तक जब देखेंगे तो इतने ही ये u हो जाएगा, सो इस जगह पे उसका वेलोसिटी कितना है, इसको u मान लेते हैं, 28 मीटर पर सेकेंड, ये जस्ट अभी हमने वहां पे निकाल लिया। तो अब जब हम सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन यानी कि यहां से यहां तक के लिए यूज करेंगे तो ये u हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी v हमको दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो लैंड किया है, तो यहां से यहां तक कितना समय लगा ये अब निकाल लेते हैं, यहां पे लाइनें खींचते हैं, अब लिखेंगे फ्रॉम b टू c, अब b से c तक आने में, b से c पॉइंट तक आने में कितना समय लगा, इसके लिए कौन सा इक्वेशन यूज किया जाए, देखो हमें यहाँ पे u का वैल्यू पता है, v का वैल्यू पता है, टाइम हमें नहीं पता है, तो ऐसा कोई इक्वेशन यूज करो जहां टाइम निकल है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये लगा सकते हैं सिंपल, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टाइम निकल आएगा इससे, फाइनल वेलोसिटी हमको दे रखा है 3, इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ है 28, और माइनस क्योंकि जो रिटार्डेशन बोला गया है यहाँ पे है रिटार्डेशन ऑफ 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब पैराशूट ओपन किया तो अब यहाँ पे ये प्लस नहीं होगा एक्सीलरेशन, क्योंकि पैराशूट एक रिटार्डेशन पैदा करेगा, तो इसलिए रिटार्डेशन को हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव 2.0 यानी 2 इंटू टाइम कितना यहाँ से यहाँ तक लग रहा है ये हमको निकालना है, तो यही हो जाएगा सॉल्व, अब बस इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा कितना, 2t को इधर ले आओ और 3 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 28-3 और 2t इधर आके पॉजिटिव का 2t हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 28-3 करोगे ये आ जाएगा 25/2, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा आके, तो 25/2 करेंगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.5, सो 12.5 सेकेंड्स टाइम यहाँ पे लगेगा B से C तक आने में, सो यहाँ पे हमें टाइम पता लग गया, सो अब हम दोनों अगर टाइमों को ऐड कर दें 20/7 और 12.5 को, दोनों को ऐड कर दें तो हमें ये पता लग जाएगा फॉर हाउ लॉन्ग एस्ट्रोनॉट रिमेंड इन एयर, तो ये तो हम निकाल लेंगे अभी ऐड करके, सो यहाँ से हो जाएगा टोटल टाइम इज इक्वल टू 12.5 प्लस 20/7, सो इसको सॉल्व करना है अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा तुम्हारा 15.4 सेकेंड अप्रॉक्स आ जाएगा, इसको राउंड ऑफ कर लेना, तो ये आ गया हमारा टाइम, लेकिन अभी हमें क्या बताना है व्हाट वाज द हाइट ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन की हाइट हमें नहीं पता, यहां से यहां तक 40 मीटर है ये पता है, यहां से यहां तक ये पोर्शन में हाइट कितनी है ये नहीं पता, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे एक बार और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे B से C तक में, तो B से C तक एक और इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगा सकते हैं जहां से हमें डिस्प्लेसमेंट पता लग जाए, तो लास्ट थर्ड इक्वेशन लगा दो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस
2as, और ये हम b से c तक के पोर्शन में ही लगा रहे हैं, तो ध्यान रखना v स्क्वायर, v कितना है 3, तो ये हो जाएगा 9, u स्क्वायर, u कितना है 28, अभी इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 2as, ये हो जाएगा हमारा, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है बी से सी तक, यहाँ पे रिटार्डेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का बी से सी तक, तो ये हो जाएगा माइनस 2 into 2, ए भी तुम्हारा 2 है, तो ये ए का वैल्यू हमने रख दिया माइनस का 2, और मल्टीप्लाई बाय एस, एस हमें निकालना है तो एस का वैल्यू निकाल लेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं अब, तो 28 का स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा 784, और ये हो गया 9, माइनस 2 2 4, ये हो गया 4s, तो 4s को इधर ले आओ, 9 उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 4s इज इक्वल टू 784 माइनस 9, 9 माइनस कर दो इसमें से, ये आ जाएगा कितना 775 डिवाइड बाय 4, सो इसको तुम डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 193.75, यानी कि इसको अप्रोक्सीमेटली तुम 194 ले सकते हो, तो ये आ गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ये मीटर्स में आएगा, सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है 194 मीटर्स का, और यहाँ से यहाँ तक 40 हमको दिया हुआ है, सो यहाँ पे टोटल अगर डिस्टेंस तुमसे पूछा गया है, सो टोटल हाइट हम कैसे बता सकते हैं, बस 40 मीटर्स में ये वाली हाइट जोड़ देंगे, सो यहीं पर मैं कर देता हूँ, टोटल हाइट प्लेन की कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 40 मीटर वहाँ से वहाँ तक ऊपर की हाइट है, प्लस नीचे की हाइट हमने निकाल ली है पैराशूट से वहाँ तक की, वो आ गई है 194, तो बस दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 234 मीटर्स, सो आई होप समझ में आ गया होगा ऐसा क्वेश्चन पूरा, देख लो इसको, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं कोशिश करूंगा इसका पीडीएफ प्रोवाइड करने की, बाकी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो अपने समझने के लिए, सो अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सो अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन मैं कहूंगा है, बट चलो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसे सॉल्व हो गए, यहाँ पे है, व्हेन अ बलून राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज एट अ हाइट ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, तो यहाँ पे किसी बलून की बात हो रही है, अब यहाँ पे बच्चों वाले बलून की बात नहीं है, ये तुम्हारा हॉट एयर बैलून है, तो यहाँ पे जब इसको बनाते हैं, सपोज ये तुम्हारा हॉट एयर बैलून है, हॉट एयर बैलून कुछ ऐसे होता है, बड़ा सा बड़ा ऐसे होता है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है कहीं ना कहीं, इस तरह डोरी बंधी रहती है, यहाँ पे आदमी बैठे रहते हैं इस तरह, तो इस तरह कुछ है, तो ये एक बलून है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये बलून अपवर्ड जा रहा है विद अ वेलोसिटी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, तो जो भी पर्सन इस बलून के साथ जा रहा है उसकी भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, फिर आगे देखते हैं क्या है, इज एट अ हाइट ऑफ 45 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, ये जमीन से इस समय बलून कितनी हाइट पे है, इट इज एट अ हाइट ऑफ 45 मीटर्स, ये हमको गिवन है, फिर है आफ्टर 3 सेकेंड्स ही ओपन्स द पैराशूट एंड डीसेलेरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो फिर से डी एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे कहा यह गया है कि ये जो पैराशूटिस्ट है इसने बैलून से जंप लगाया, ठीक है, इसने बैलून से जंप लगाया, अब जब जंप लगाया होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी रही होगी, इसने जंप लगाया तो ये थोड़ा ऊपर गया होगा, फिर जाके फिर ये नीचे गिरा होगा, तो 3 सेकेंड के बाद जाके इसने अपना पैराशूट ओपन कर लिया, ये जो पैराशूटिस्ट है इसने अपना पैराशूट ओपन कर लिया, तो 3 सेकेंड के बाद, आफ्टर 3 सेकेंड ही ओपन्स द पैराशूट, देन आफ्टर दैट ही डिसेलेरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, जब पैराशूट ओपन कर लिया, पैराशूट ओपन करने के बाद में अब वो जब नीचे आएगा तो कितने एक्सीलरेशन के साथ आएगा, डीएक्सीलरेशन ऑफ -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब जाके वो जमीन पर लैंड कर जाएगा, इस बार हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं दी है, पिछले वाले क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी बता दी गई थी, इस बार नहीं बताई गई है, सिंपल है, अब यहाँ क्या पूछा गया है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पैराशूटिस्ट अबव द ग्राउंड व्हेन ही ओपन्स द पैराशूट, तो अब पैराशूटिस्ट कितना ऊपर था अबव द ग्राउंड जब उसने पैराशूट ओपन किया, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है, तो चलो इसको यहाँ पे निकालते हैं अभी, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछा गया था कि यहाँ जब उसने पैराशूट ओपन किया तब उसकी जमीन से हाइट कितनी है, तो हाइट निकालने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि पहले उसको कितना टाइम लगा पैराशूट ओपन करने में, जब टाइम निकाल लेंगे तो उसी से हाइट भी निकल आएगा, तो यहाँ पे देखो जब इस बंदे ने यहाँ से जंप किया होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी रही 10 मीटर पर सेकंड, क्यों, बिकॉज यहाँ पे हॉट एयर बैलून भी इतनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था, तो इसने जंप किया तो ये थोड़ा तो ऊपर जाएगा उसके बाद फिर नीचे आएगा, तो यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे जब वो यहाँ सेम हाइट पे पहुंचेगा जितनी हाइट से उसने जंप किया था 45 मीटर पे, तो यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अगेन 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि पहले वो ऊपर जाएगा फिर यहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाएगी,
फिर उसके बाद फिर नीचे आना शुरू होगा और तब उसकी वेलोसिटी फिर से 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी लेकिन डाउनवर्ड। तो हमें यह बताना है कि यहां से यहां तक आने में उसको कितना समय लगा। तो इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं। सो यहां पे हम पहले निकाल लेंगे फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक आने में उसको कितना समय लगा। तो देखो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ऊपर की तरफ 10, तो ऊपर की तरफ वाली चीजों को हम माइनस मानेंगे। तो यहां पे यूज करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो यहां पे जितनी भी ऊपर वाली चीजें हैं उनको नेगेटिव मान लेंगे, नीचे वाली चीजों को पॉजिटिव। तो यहां पे u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, यहां पे बेसिकली u तुम्हारा ये है, ये v होगा, ये v है, यहां सेकंड पार्ट के लिए v हो जाएगा। तो यहां पे v तुम्हारा हो गया डाउनवर्ड, तो ये प्लस ले लेंगे 10 इज इक्वल टू u तुम्हारा है अपवर्ड्स, यहाँ पे ये अपवर्ड्स है तो ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस का 10 प्लस 80, ए तुम्हारा नीचे की तरफ लग रहा है तो ए तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे 9.8 दिया था आई थिंक, ए जी इज इक्वल टू 10 दिया है तो 10 का यूज करेंगे, ये हो जाएगा ए का वैल्यू है 10, नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड ग्रेविटी लगती है तो इसलिए प्लस हो गया मल्टीप्लाई बाय टी, बस यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लो तो ये हो जाएगा 20 प्लस हो जाएगा 10 इधर आके इज इक्वल टू 10 टी और टी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2 सेकेंड। सो 2 सेकेंड में वो यहां से यहां तक पहुंच गया होगा, इतना हमें पता लग गया। इसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हो बोला गया था आफ्टर 3 सेकेंड ही ओपन द पैराशूट, तो 3 सेकेंड बाद तो उसने पैराशूट ओपन कर लिया। सो यहाँ पे 2 सेकेंड के बाद वो इस पॉइंट तक पहुंचा है और टोटल 3 सेकेंड के बाद उसने पैराशूट ओपन कर लिया। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद यहां से यहां तक कितना समय लगा होगा, यहां से यहां तक उसको लगा होगा 1 सेकेंड का। क्यों? बिकॉज ए से बी तक पहुंचने में उसको 2 सेकेंड लग रहा है, पैराशूट उसने कितनी देर में 3 सेकंड में ओपन किया, तो टोटल 3 सेकंड है, यहां से यहां तक 2 सेकंड लग रहा है, तो ये बीच का समय बी से पैराशूट ओपन करने तक कितना रहेगा, ये 1 सेकंड का रहेगा। तो इसी इंफॉर्मेशन की मदद से अब हम ये दूरी निकाल सकते हैं कि यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना है। सो बी से इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, सी पॉइंट तक आने में कितना समय लगा ये निकाल लो यहां से। तो यहां पे अगेन फ्रॉम अब लिखेंगे बी टू सी, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक आने में, अब बी पॉइंट से सी तक आओगे तो ये यू हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी भी हो जाएगी। लेकिन फाइनल वेलोसिटी का हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे निकालना है बेसिकली क्या, यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है कितनी दूरी ये कवर करेगा। सो दूरी निकालने के लिए यूज कर लो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका यूज कर लो बिकॉज हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, टाइम हमें पता है 1 सेकेंड। तो यहाँ पे यू हो जाएगा ये 10 मीटर पर सेकेंड, बी पॉइंट वाली इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी इस इक्वेशन के लिए, तो यू हो जाएगा हमारा 10 मल्टीप्लाई बाय टी, 1 सेकेंड लग रहा है ये हो गया, प्लस हाफ ए क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि क्वेश्चन में हमें दे रखी है 10 मल्टीप्लाई बाय टी, 1 का स्क्वायर हो गया है। तो बस यहां से सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 10, 2 से काट दो ये आ जाएगा 5, तो 10 प्लस 5 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 15 मीटर। सो 15 मीटर के बाद उसने पैराशूट ओपन कर लिया, 15 मीटर कहां से, यहां से यहां तक। अच्छा हॉट एयर बैलून की हाइट शुरुआत में कितनी थी 45 मीटर, सो 45 मीटर वो ऊपर था, बी पॉइंट पे 45 मीटर ऊपर था, 45 मीटर से वो 15 मीटर नीचे आया तब उसने पैराशूट ओपन किया। सो यहां पे कितनी ऊपर उसने पैराशूट ओपन किया होगा, सो नाउ ही ओपन्स द पैराशूट, ही ओपन्स द पैराशूट, पैराशूट कितने पे उसने ओपन किया है, 45 मीटर वो ऊपर था, 15 मीटर नीचे आया, सो यहां पे 45 माइनस 15 कर लो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 30 मीटर। सो 30 मीटर अबव द ग्राउंड उसने अपना पैराशूट ओपन कर लिया, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। सो 30 मीटर अबव द ग्राउंड उसने अपना पैराशूट ओपन कर लिया, राइट, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। सो इसके बाद सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया बी में हाउ फार इज ही फ्रॉम द बैलून एट दिस इंस्टेंट, तो अब हमसे ये पूछा गया है कि जब उसने पैराशूट ओपन किया तब वो अपने हॉट एयर बैलून से कितना दूर है। तो अब यहाँ पे एक चीज हमें ये सोचनी पड़ेगी सेकेंड पार्ट के लिए, देखना ध्यान देना है यहाँ पे सेकेंड पार्ट के लिए, कि जब उसने पैराशूट अपना ओपन किया तो हॉट एयर बैलून तो इतनी वेलोसिटी से ऊपर जा ही रहा था, तो 3 सेकंड के बाद वो अपना पैराशूट ओपन करता है तो 3 सेकंड के बाद ये बैलून भी तो ऊपर चला जाएगा कहीं ना कहीं, तो ये बैलून कितना ऊपर जाएगा ये हम निकाल लेते हैं। सो आफ्टर 3 सेकंड्स, 3 सेकंड बाद वो पैराशूट ओपन कर रहा है, आफ्टर 3 सेकंड बैलून कितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड बैलून की कितनी है ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3 सेकंड के लिए वो ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 मीटर्स। तो बैलून 30 मीटर और ऊपर तब तक जा चुका होगा जब उसने पैराशूट अपना ओपन किया होगा। सो बैलून 30 मीटर और ऊपर आ गया, पहले बैलून कितने ऊपर था,
45 मीटर ऊपर था, फिर उसके बाद वो 30 मीटर और ऊपर चला गया, तो बैलून इस समय यहाँ पे है। पैराशूटिस्ट ने कहाँ अपना पैराशूट ओपन किया है? पैराशूटिस्ट ने अपना पैराशूट ओपन किया है 30 मीटर अबधिगाम। तो पैराशूटिस्ट ने यहाँ पे ओपन किया है अपना पैराशूट, और हॉट एयर बैलून इस समय यहाँ पे, आफ्टर 3 सेकंड वो यहाँ पहुंच चुका है। तो अब ये गैप निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यही तो डिस्टेंस पूछा गया कि डिस्टेंस बिटवीन द हॉट एयर बैलून एंड जहां पे पैराशूटिस्ट ने अपना पैराशूट ओपन किया है। तो बस ये डिस्टेंस निकालना है। तो पहले क्या करूं, 30 प्लस 45 कर लो, उसमें 30 माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 प्लस 45, ये डिस्टेंस आ जाएगा टोटल, इसमें से ये 30 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 मीटर्स। तो इस समय पैराशूटिस्ट में और उसके हॉट एयर बैलून के बीच कितना डिफरेंस है, 45 मीटर का। ठीक है, ये दिमाग लगाना है कि जब पैराशूट ओपन हुआ तो बैलून अपनी जगह रुका नहीं था, वो भी ऊपर जा रहा था, तो उसकी नई दूरी अब इतनी हो जाएगी ज़मीन से, ये टोटल ऐड कर दोगे, तब उसमें से ये 30 माइनस करोगे पैराशूटिस्ट के पैराशूट ओपन करने की हाइट, तब पता लगेगा कि बैलून और उसके बीच कितना गैप था। तो ये दिमाग हमें लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। इसके बाद सी वाला पार्ट देखते हैं, विद व्हाट वेलोसिटी डज ही स्ट्राइक द ग्राउंड। अब हमसे पूछा गया है कि जब वो ज़मीन पर लैंड करेगा तो कितनी वेलोसिटी के साथ लैंड करेगा, तो ये कैसे निकालेंगे। अब हमें यहाँ पे गौर करना पड़ेगा सी से डी तक का मोशन, सी पॉइंट से डी पॉइंट तक। अब इसको देखते हैं सी पॉइंट से डी पॉइंट तक क्या हो रहा है, इसको मैं अगले पेज पे कर देता हूँ ताकि ज्यादा बेटर समझ में आए। सो थर्ड पार्ट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें ये निकालना पड़ेगा देखो, तो यहाँ पे जब उसने पैराशूट ओपन कर लिया तब उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, हमें ये पहले निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो पैराशूट ओपन कर लेगा तब तो उसको एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से यहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ तक उसकी स्पीड कितनी हुई होगी ये हम पहले निकाल लेते हैं। सो सी पॉइंट पे हम लिखेंगे एट सी पॉइंट हिज स्पीड विल बी, उसकी स्पीड कितनी होगी सी पॉइंट तक आते आते ये पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ सिंपल लगाओ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो जितना इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी, ये तुम्हारी u हो जाएगी, यहाँ पे आते आते इसकी वेलोसिटी जो होगी वो v हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू u तुम्हारा 10 है प्लस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 क्वेश्चन में दिया हुआ है g का वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक आए, एक सेकेंड में, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 10, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि जब उसने पैराशूट ओपन किया उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, ये हमें पता लग गया। अब जब पैराशूट ओपन कर लेगा तो वो धीमे धीमे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रिटार्डेशन से। तो अब फ्रॉम सी टू डी, अब लिखेंगे फ्रॉम सी टू डी, सी से डी पॉइंट तक आते आते अब क्या होगा, अब इतना रिटार्डेशन उसको फेस करना पड़ेगा, हमें क्या बताना है फाइनल वेलोसिटी। अब ये u हो जाएगा यहां से यहां तक के लिए, ये u हो गया और ये हो जाएगा v, ये बताना है। तो बस यहां पे लगाओ सिंपल v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और माइनस हो जाएगा बिकॉज a तुम्हारा रिटायर्ड कर रहा है यहां पे, a रिटार्डेशन है। तो v इज इक्वल टू v निकालना है, u कितना दे रखा है 20 का नीचे की तरफ, तो 20 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ u है तुम्हारा है, फिर रिटार्डेशन लग रहा है -5, और कितने टाइम तक ये यहां तक आएगा, अच्छा टाइम हमें नहीं पता है, तो एक्चुअली ये वाला इक्वेशन नहीं यूज़ कर पाएंगे यहाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया था, टाइम हमें नहीं दे रखा है। यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें टी ना आता हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है कि जब पैराशूट ओपन किया गया तो उसकी ज़मीन से दूरी कितनी थी 30 मीटर, ये हमने लास्ट पार्ट में निकाल ली कि जब पैराशूटिस्ट ने अपना पैराशूट ओपन किया था तो ज़मीन से उसकी ऊंचाई कितनी थी 30 मीटर, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बिकॉज हमें टाइम नहीं पता यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लग रहा है, तो इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे v स्क्वायर, v हमें निकालना है, u कितना है, u हमारा है 20, इस यहाँ से यहाँ तक आने के लिए u हो गया 20 का स्क्वायर प्लस 2as, अच्छा ये माइनस हो जाएगा बिकॉज a तुम्हारा इस बार रिटायर्ड हो रहा है, तो ये हो जाएगा -2 × 5, और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है पैराशूट ओपन करने से ग्राउंड तक की 30, तो ये हो जाएगा s का वैल्यू 30। तो बस इसको अब सॉल्व कर लेंगे और v का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 400 माइनस, ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, और ये हो जाएगा 300, तो 400 माइनस 300 करोगे ये आ जाएगा 100, ये आ गया तुम्हारा v स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ पे v का वैल्यू निकालोगे स्क्वायर रूट कर दो बोथ साइड, ये आ जाएगा 10। सो 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आ जाएगी वेलोसिटी जब वो
पैराशूटिस्ट जमीन पे आएगा। सो 10 मीटर पर सेकंड थोड़ा तेज है, बट फिर भी अगर वो बैलेंस करके नीचे आएगा तो अपना बचा लेगा अपने आपको। चलो इसके बाद अभी करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखते हैं क्या पूछा गया है। सो फोर्थ पार्ट है, वॉट टाइम डज ही टेक इन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड आफ्टर हिज एग्जिट फ्रॉम द बैलून। सो अब हमसे टाइम पूछा गया है कि ग्राउंड तक आने में उसको टोटल कितना टाइम लगा। सो देखो दो टाइम तो हमने निकाल लिए थे कि यहां से यहां तक आने में 2 सेकंड लगे, यहां से यहां तक आने में 1 सेकंड लगा, तो यहां से यहां तक 3 सेकंड लग रहे हैं, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा था। खैर, और यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, अब हमें ये निकालना है। अब हमें फाइनल वेलोसिटी तो पता लग गया है, अब हम टाइम निकाल लेंगे यहां से यहां तक आने में। तो बस टाइम निकाल लो, काम हो गया। फोर्थ पार्ट में इधर करता हूं, फोर्थ पार्ट नाउ टाइम टेकन फ्रॉम कहां से कहां तक, सी से डी तक आने में कितना टाइम लगा। बस यही हमें नहीं पता था, ये निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। सी से डी तक आने में कितना समय लग रहा है, हमें यू पता लग गया, वी पता लग गया 10 मीटर पर सेकंड, तो वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी लगा देते हैं। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, बट वो माइनस हो जाएगा बिकॉज यहाँ रिटार्डेशन है। तो वी हमारा कितना है 10, यू हमारा कितना है, यू कहां गया, यू है तुम्हारा 20। सी से डी तक आने में बात करें तो ये यू हो जाएगा, ये वी हो जाएगा, हर पोर्शन में यू और वी बदल जाते हैं, ध्यान रखना। माइनस ए हमारा कितना है 5, और टाइम निकालना है, बस सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा माइनस 5t, इधर ले हो जाएगा प्लस का 5t, 10 भर ले जाओ माइनस का हो जाएगा 20 माइनस 10, ये करोगे आ जाएगा 10, तो ये होगा 5t इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 2 10, ये आ जाएगा 2। तो 2 सेकंड के बाद पैराशूटिस्ट ने जब पैराशूट ओपन किया, 2 सेकंड के बाद वो लैंड कर जाएगा। तो यहां से यहां तक आने में 3 सेकंड लग रहे थे, क्वेश्चन में दे रखा था 3 सेकंड बाद उसने पैराशूट ओपन किया, पैराशूट ओपन करने के 2 सेकंड बाद वो जमीन पे आ गया। तो यानी कि टोटल टाइम इन एयर कितना हुआ, टोटल टाइम इन एयर हो जाएगा पहले तो 3 सेकंड प्लस जो 2 सेकंड पैराशूट ओपन करने के बाद जमीन तक आने में लगा वो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 सेकंड्स। तो ये आ जाएगा 5 सेकंड उसको लगा टोटल, जब उसने जंप करा तब से जमीन तक आने में 5 सेकंड का टाइम उसने टोटल हवा में बिताया। सो आई होप ये वाला पूरा क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, 2 पेज पे मैंने सॉल्व किया है एंड पूरा क्वेश्चन कुछ इस तरह आ जाएगा। सो आई होप ये सारे क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे अच्छे से जितने अभी तक हमने करे हैं, और कहीं पे भी कोई डाउट हो नीचे कमेंट्स में लिख के तुम पूछ सकते हो। सो आई होप इस वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया तुम्हें सारी चीजें समझ में आई होंगी। किसी भी न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में लिख के तुम लोग पूछ सकते हो, डाउट अगर बड़ा हो तो नीचे यहाँ पे तुम्हें सोशल मीडिया के भी लिंक्स दिख रहे होंगे, वहां पे तुम मुझे क्वेश्चंस को डीएम कर सकते हो। और बाकी अगर कोई राय देनी हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी और टॉपिक के बारे में पूछना हो तो वो भी तुम मुझे नीचे कमेंट्स में लिख पूछ सकते हो। एंड अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि उनकी भी इस चैप्टर में हेल्प हो जाए। सो इस वीडियो के बाद अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, एंड उससे भी पहले मैं कोशिश करूंगा कैलकुलस के ऊपर वीडियो लाने की। सो अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बाकी बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी तुम्हें जरूर से मिल जाए। सो इसी के साथ चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।